कबड्डी ये भारत का एक प्राचीन खेल है जो देश के सभी राज्यों में खेला जाता है। लोग इसे गांव की विरासत मानते हैं। पोंगल की शाम को जल्लीकट्टू में भाग लेकर जिस तरह हमारे नौजवान अपने बाजुओं और टांगों को मजबूत करते हैं, कबड्डी खेलने से बिल्कुल उसी तरह का फायदा होता है। धीरे धीरे इस खेल ने पूरे संसार को अपना बना लिया। नतीजतन नेपाल, ईरान और इंग्लैंड जैसे 32 देश आज इस खेल को शिद्दत से खेलते हैं। भारत में अमेचुअर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। कबड्डी का कोर्ट 10x13 मीटर का होता है। मैदान की मिट्टी में नारियल का रेशा और लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है ताकि खिलाड़ियों को चोट ना लगे। इस खेल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रो कबड्डी जैसे लीग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बर्लिन ओलंपिक्स हो, एशियाई खेल हो या कबड्डी का वर्ल्ड कप हो, हमारे इस देसी खेल को संसार ने खुले दिल से अपनाया है। सेंटर लाइन को क्रॉस करते ही खिलाड़ी को कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। तुम्हें हर विरोधी पर ध्यान रखना होगा। जैसे ही तुम दुश्मन के पाले में जाती हो, तुम्हें इस लाइन तक पहुंचना होता है। अगर तुम इस लाइन तक नहीं पहुंच पाई और किसी को आउट नहीं कर पाई तो तुम खुद आउट हो जाओगी। इसी तरह अगर तुम दूसरी लाइन भी छू लो तो तुम्हें एक बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर तुम अपने विरोधी को किसी तरह छूकर अपने पाले में चली आई तो तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा। समझ आया? हाँ, समझ गई। मान लो तुम कबड्डी कबड्डी बोल रहे हो और अपने पंजे से किसी को छूने की कोशिश करते हो और पकड़ लिए जाते हो तो दूसरी टीम को एक पॉइंट मिल जाता है और तुम आउट हो जाओगे। क्लियर है ना? हाँ, समझ गई। जाओ टूट पड़ो। कबड्डी एकदम निडर होकर। कबड्डी 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 कबड्डी। मेरा नाम मनोज है और मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ। इस गांव में बच्चों को कबड्डी सिखाता हूँ। कबड्डी बोनस पॉइंट के लिए उस सेकंड लाइन को पंजे से छुओ। आप सभी का गांव के वार्षिक कबड्डी सम्मेलन में स्वागत है। गांव की कुलदेवी, हमारे गांव की कुलदेवी की सालाना पूजा के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस बार लड़के और लड़कियां दोनों की ही टीमें हिस्सा लेंगी। इस खास मौके पर यहां के एमएलए चेला स्वामी जी भी हमारे बीच मौजूद है। तो आइए मैच की शुरुआत करते हैं। हर साल की तरह ही इस बार भी कबड्डी के मुकाबले में कई टीमों ने हिस्सा लिया है। पहली दो टीमें हैं डिंडीगुल और कैनेडी क्लब। डिंडीगुल के खिलाड़ी छोटा चेतन आगे बढ़ते हुए और ये शशि ने उन्हें रोक दिया। खिलाड़ियों का जोश बरकरार है और ये दर्शकों में उत्साह और और इसी के साथ कैनेडी क्लब को मिलते हैं दो पॉइंट। जेम्स ने आकाश को पकड़ लिया है और लास्ट मिनट और इसी के साथ मैच समाप्ति की घोषणा। एमएलए चेला स्वामी जी कैनेडी क्लब को बधाई देते हुए। अब अगली बारी है लड़कियों की टीम की। पुरुषों की तरह हमारे गांव में औरतों की कबड्डी भी किसी से कम नहीं है। ये है हमारे कोच मुथु स्वामी। अगर कोई कबड्डी के दाम पेज के बारे में जानना चाहता है तो इनसे आकर मिले। कबड्डी की सारी बारीकियां मैंने इन्हीं से सीखी। ये एक्स आर्मी ऑफिसर है। कबड्डी को जिंदा रखने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई खर्च कर दी। अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर और अपनी एक एक पाई जोड़कर वो इंस्टीट्यूट की सभी लड़कियों के रहने खाने और फीस का बंदोबस्त करते हैं। अब इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, लड़कियों की कामयाबी। और गर्ल्स कैसी हो साहब? ठीक है। ये है असावरी। छुट्टी के दिन अपने पिता के साथ ईंट के भट्टे पर काम करती है। नाम बोलो। रामराज असावरी। 1000 2000। ये 2000 कॉलेज की फीस के लिए। अपनी माँ को मत बताना। ठीक है पापा। कौन सी क्लास में हो बेटी? पांचवी क्लास में। ओ, पांचवी क्लास में। इस बार अपने क्लास में फर्स्ट आई है। हाँ? फर्स्ट आई थी? अरे वाह, क्या बात है। अरे दामा जी आए। ससुर जी कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? ए पत्री दे। हाँ। ससुर जी, रविवार को बेटी के कर्ण छेदन का कार्यक्रम रखा है। ठीक। आप इस कार्यक्रम में जरूर आइएगा। हाँ, भूलिएगा नहीं। जरूर आएंगे। अच्छा माँ जी, आने जाने के खर्चे के बारे में चिंता मत कीजिए। पिछली बार तो आप लोग आए नहीं थे। ये लीजिए 2000। अगर पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो तो इससे खरीद लीजिएगा और बचे हुए पैसों से आना जाना कर लेना। इतना सोच क्या रही है? थोड़े और पैसे दे दूं क्या? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। आप यही चाहते हो ना कि हम सब आपके घर आए? ठीक है, आ जाएंगे, जाइए। ऐसे अकड़ क्या रही है? ये लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। तुझे बड़ी मिर्ची लग रही है। पुराने एहसान भूल गई क्या? तुझसे तो भगवान ही बचाए। हाँ, ठीक है, जाइए। ए, चल रहे। ए, क्या जरूरत थी बोलने की? दामाद जी क्या सोचेंगे? हाँ, तुझे पैसे चाहिए ना? क्या करियो, तुम्हारी फीस के पैसे। ये है सेल्वा रानी, टीम की बेस्ट खिलाड़ी। ये उनका आक्रामक हमला। इसके माँ बाप कपड़े धोने का काम करते हैं। रानी और उसका भाई इस काम में परिवार की मदद करते हैं। ये भावना है। इसकी माँ
जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसे कैंसर है। बात हुई? वो फोन कट कर रही है। बहुत जिद्दी है, सुबह से गई अभी तक नहीं आई। अरे बेटा कहाँ रह गई थी तू? तेरी माँ ने फोन करने को कहा था पर तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। कहाँ रह गई थी? फोन किया था, जवाब तो दे सकती थी। पता है ना मैं सुनार के पास गई थी, मैंने सारे गहने सुनार को बेच दिए, ये रही दवाइयाँ। क्या जरूरत थी बेचने की, गिरवी रख देती, वो मैंने तेरी शादी के लिए बनाए थे। अरे पहले अपने बारे में सोच, खुद तो खाट पे पड़ी है और मेरी सोच रही है। पहले तू ठीक हो जा, शादी तो होती रहेगी। ये है रजनी। मुँह क्या देख रहे हो, इससे अच्छा लड़का और नहीं मिलने वाला, बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। दिन भर कबड्डी खेलती है, नाक में दम करके रखा है, अगर नहीं मानी ना तो सर मुंडवा दूंगी मैं इसका। भला चाहते हो तो समझाओ इसे, कह देती हूँ। अरे मंजू तेरी लड़की को देख। हे भगवान। माँ की बात से उसे इतनी चोट पहुँची कि उसने खुद ही अपने बाल काट दिए। ये जीवा है, ये भी कबड्डी खेलती है, इसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही। और पढ़ा लिखा अपने बेटे को, क्या हुआ आखिर, भाग गया ना और जाते जाते हम सबका मुंह भी काला कर दिया। अरे चला गया तो क्या हुआ, कभी ना कभी वापस भी तो आएगा ना, पैसा कमाने विदेश गया है, आके घर बनाएगा बोला है। चुप कर बुढ़िया, उसी ने नाक काटी उसी की तारीफ कर रही है, उसकी जगह मैं होती तो मेरा जीना हराम कर देती, मैं सब जानती हूँ। अगर वो आगे बढ़ भी गया ना तो भी नहीं पूछेगा। ये है अरुणा, इसकी माँ खेतों में मजदूरी करती है और इसके पिता फसलों पर कीटनाशक छिड़क कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ये है योग लक्ष्मी, पुजारी भगीरथ की बेटी। इनके परिवार का खर्च चढ़ावे में आए दान से ही चलता है। माँ के मरने के बाद भगीरथ ने ही इसे पाला। ये है मीनाक्षी, मुथु स्वामी की इकलौती नकचढ़ी बेटी। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, देखते हैं इस बार ये क्या कमाल करेंगे। और ये उन्होंने हमला किया। उस्ताद कुछ बोल रहे हैं? लगता है अरे ऐसी ट्रेनिंग हो और चैंपियन बन जाएगी तू। अरे मेरी मत लगेगी। ये लोग कौन है, इनको बोलो तमाशा ना करें यहाँ पर। तुम लोग चुप नहीं रह सकते क्या, कितना शोर मचा रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। बताया जा रहा है कैनेडी क्लब इस वाले राउंड में विजेता है, दूसरे राउंड के लिए खिलाड़ी आपस में सलाह करते हुए और खेल की बढ़िया शुरुआत। और कैनेडी क्लब को ये और एक पॉइंट, बहुत बढ़िया कैनेडी क्लब, बहुत बढ़िया खेल रहा है कैनेडी क्लब की विद्या, बहुत बढ़िया खेलते हुए। और ये हमला बहुत बढ़िया, क्या बात है, और उन्हें मिले दो पॉइंट। विद्या की जुड़वा बहन वृंदा वो भी बहुत कमाल खेलती है और ये आउट। कैनेडी क्लब ने फिर से बाजी मार ली। अच्छा खेले तुम लोग। धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा खेले तुम लोग, बहुत आगे जाओगे, खुश रहो। मजे ले लिए और हम लोगों को यही तरसा रहा है। हमारी भी शहर बजा दो अंकल, लाइफ सेट हो जाएगी। आखिर समस्या क्या है तुम लोग? कुछ भी नहीं। मैच खेलते समय इस तरीके से लड़कियों को बुरा भला कहना, उन्हें चिढ़ाना, इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो कैसे होगा? अगर तुम लोग वाकई मर्द हो तो मैदान में आके मुकाबला करो। मैं तो रेडी हूँ, वो लोग भी रेडी हूँ, पर एक बार इन कमसिन कच्ची कलियों से तो पूछ लो। वो रेडी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समझे? भिड़ू, संडे को हम लोग आएंगे, उन लोगों को भी बुला लो, मैच करके फैसला हो जाएगा। सही कह रहा हूँ काका, अपने मुँह खोलो ना। ओके, मुकाबले के लिए तैयार हो? 100%। देखो, चिल्लाना बंद करो। चुप हो गया। इस मुकाबले के लिए एक शर्त होगी। अरे कोई भी शर्त हो अपन को मंजूर है। बताओ बताओ। लड़कियों से पहली बार कबड्डी खेलेंगे, इसके लिए जो भी शर्त हो पूरी तरह से मंजूर है काका। देखो नौजवान, अगर तुम लोग एक बाप की औलाद हो तो वादा करो कि तुम लोग खेल छोड़ के बीच में नहीं भागोगे। मुकाबला पूरा करना होगा, उसके बिना नहीं जा सकते। बोलो मंजूर है शर्त? आ जाओ। क्यों मेरी शेरनियों, डर लग रहा है? डरना भी नहीं चाहिए, इन मिट्टी के शेरों से भी भला क्या डरना। लेकिन इस बार मुकाबला मर्दों के साथ है। सच तो यह है, बच्चों की सदियों से यह घमंडी मर्द सीधी सादी औरतों को गुलाम बनाता आया है। लेकिन अब समय बदल चुका है और धीरे धीरे औरतों ने भी आजादी की आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। तुम लोग हिम्मती हो, तुम्हारे अंदर जुनून भी है, अच्छा खेल भी खेल लेती हो। अगर तुम लोगों ने आज इन दो टके के मंचलों को सबक नहीं सिखाया ना, तो एक बार फिर से ये घमंडी मर्द तुम लोगों को रौंद के रख देगा। देखो बच्चों, आज तुम्हारा खेल ऐसा होना चाहिए कि जो भी दांव तुम लोग आज लगाओ वो सिर्फ इनके घमंड को चोट पहुंचाएगा।
वो जब तुम पर झपटे और गलत जगह पर हाथ लगाने की कोशिश करें तो ठीक उसके पहले उन लोगों को जमीन पर पटक कर पाले से बाहर कर देना। और तुम जैसे ही हमले के लिए आगे बढ़ोगी उनकी मर्दानगी जाग उठेगी, वो हाथ आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही वो तुम लोगों को गलत जगह पर छूने वाले हो लात मार कर उनका मुंह तोड़ देना। इतिहास में पहली बार एक बहुत ही अनोखा मुकाबला लड़के और लड़कियों में मुकाबला हो रहा है। और इस तरह खौफ की हालत में ये खेल शुरू हुआ। रघु के साथी भूखे भेड़ियों की तरह लड़कियों पर टूट पड़ना चाहते थे। बकर बकर बम्बे बो। अरे रुक टाटा, अरे रुक टाटा। हमें खेद है कि हम लड़कों में से किसी का नाम नहीं जानते। उसमें एक दड़ियल है जो बहुत ही जोश में दिख रहा है। देखते हैं ये क्या कुल खिलाएगा। लड़कियां भी पूरे जोश में। आक्रामक स्थिति है, नया खिलाड़ी नई ऊर्जा के साथ। और जैसे ही बाज ने चिड़ियों पर झपट्टा मारा, बाकियों ने रघु को मैदान के बाहर फेंक दिया। लड़कियों के तूफान ने उसके पांव उखाड़ फेंके। ये थी हिंदुस्तान की महिला शक्ति। और इसी के साथ लड़कियां एक पॉइंट से आगे हैं। मीनाक्षी आगे बढ़ते हुए दरिंदों की गुफा में जा पहुंची थी वो शेरनी जिसने अपने वार से भेड़ियों को कर दिया थराशाई। सोचा नहीं था कि लड़कियां लड़कों पर भारी पड़ेगी, पर आज अपना कमाल दिखा रही है। एक और मुकाबला। जब जब देश की महिला पे आंच आई है, हमारे देश की महिला ने उसे सबक सिखाई है। लड़कियों को माफ कर दिया। वाह, काश मैं भी लड़कों को। अरे चाय आई क्या? सबसे बोली हुई है। अगर नहीं आई ना तो तुझे धो दूंगी। चल जा लेकर आ। हां तुम्हें कहा थी। और ये लड़कियों का कड़ा मुकाबला जारी, पर कोई पॉइंट नहीं। लड़के मुकाबला करते हुए देखते हैं इस बार उनकी जीत होती है या नहीं। एक घुंघराले बालों वाला तेजी से आगे बढ़ता हुआ, एक लड़की उसके पीछे आ चुकी है, पर उसे कोई अंदाजा ही नहीं है क्योंकि ये कच्चे खिलाड़ी है। देखते हैं आगे क्या होता है। जब जब कोई हवस की आग में जला, उसे उसकी सजा सूद समेत मिली है। कबड्डी में ऐसे दाव पेच तो पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ऐसा होता है क्या कबड्डी में? मर्दों का गुरूर कर दिया लड़कियों ने चकनाचूर। अब दो लड़के बचे हैं, लेकिन उनकी हालत पतली है। वो एक दूसरे को जाने के लिए धकेल रहे हैं और ये एक लड़का आगे बढ़ा, लेकिन क्या वो जीत पाएगा? हैवानियत भले ही कुछ को शिकार बना लेती है, लेकिन अंत में खुद ही शिकार बन जाती है। फूल सी नाजुक औरत अगर हथियार उठा ले तो बड़े से बड़े योद्धाओं तक को धूल चटा सकती है। और इसके साथ ही लड़कियों की शानदार जीत, क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक, कैनेडी क्लब की जीत हुई। कैनेडी क्लब जिंदाबाद। कैनेडी क्लब को मुबारक हो। अब मैं चाय पीने जाऊंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चल रहे घोचो फोन रख। अरे चिल्ला मत, माँ आ जाएगी। इतनी देर कर दी, कहाँ मर गया था? अरे पेट खराब हो गया था। एक कलेश्वरी गजरा और साड़ी में एक नंबर लग रही है। हाँ ज्यादा मस्का मत मार। इसी बात पे तेरे को एक शायरी सुनाता हूँ। रुक 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 रुक, इरशाद फरशाद बाद में। दूर से देखा तो लगा फूल है गुलाब का, पर जब उसके नजदीक जाके देखा तो वो टैबलेट था जुलाब का। हाय क्या शायरी मारी है तेरे लिए। तेरी इससे अच्छी तारीफ मेरे सिवा दुनिया में और किसी ने की हो तो बता। क्या बोलती है? हाँ अच्छा था, अच्छा था। ए, खाली इतना ही पैसा लेके आया? असली माल मैं हमेशा छुपा के रखता हूँ। एक मिनट, क्या है ना आकाश पॉकेट मार लेता है। कितना माल है? पूरे 250 रुपए। हिला मत, हिला मत, हिला मत। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही खड़ी रहे, ऐसे ऐसे। हाँ। ये कच्ची कली आज मेरे प्यार की गवाही देगी। तू मेरी दुल्हन बनेगी। कौन है रे तू? कलमू है तेरी की? मेरी बेटी को छेड़ रहा है क्या? कबाब में हड्डी। भाग जा वरना चप्पल से मारूंगी। निकल ले पतली गली से। अम्मा ये कलेश्वरी और मैं हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। 3 साल से इसका एक ही क्लास में इंतजार कर रहा था, है ना? कलेश्वरी तुझे जरा भी शर्म नहीं आती जो इसे यहाँ बुला लिया? अरे माँ तू लोड मत ले, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सही जवाब। कल्टी मार। ओके
चुपचाप 9-2-11 हो जा, दोबारा दिखा तो टांगे तोड़ दूंगी। जा जा सासू मां, चल। शायरी सुना के पटाता हूँ इसको। हाँ? माँ जी, आपको देख के एक शायरी याद आ गई। अच्छा। ओ सासू मां, एक दिन इसको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, तेरे डर से, तेरे पति के डर से। ये तो बचपन में पढ़ी थी। अरे ये तो इंटरनेट का जोक था, इसने बचपन में कहां से पढ़ लिया। भाग रहा है। ए कलेश्वरी, जल्दी आ, सब लोग फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। हाँ हाँ आती हूँ। मुथु जी, चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। माँ रहने देना, क्या जरूरत है भैया। मैं अरुणा की माँ हूँ, इसके लिए लड़का देखा है। ये देखो, ये उसी की फोटो है। फसलों पे कीड़े मारने की दवा का छिड़काव करवाता है। अगर आप इसे शादी के लिए मनाते तो। तुम्हारी बेटी अरुणा की उम्र कितनी है? 19 साल। और तुम काम क्या करती हो? आप तो जानते ही है ना भैया। मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। खेतों में मजदूरी करते हैं। और तुम्हारे माँ बाप क्या करते थे? वो भी वही काम करते थे। और तुम्हारे पुरखे? हमारे तो पूरे खानदान में यही काम होता है। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी सिर्फ मजदूरी करे? बोलो, ये बताओ कितने सालों से कबड्डी खेल रही है? 8 सालों से गुरुजी। ये 8 सालों से खेल रही है, किस लिए? ताकि ये कप जीत सके और गांव का नाम ऊंचा करे। अगर ये जीत गई तो गांव के बच्चे इसकी तरह बनना चाहेंगे और तुम भी कहोगे कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया, और गांव, देश, समाज सब इसकी इज्जत करेंगे। सभी लोग इसको पलकों पर बिठाएंगे। जैसे इतने साल इंतजार किया, और 2 साल सब्र कर लो, पढ़ाई पूरी हो जाने दो, इसे स्टेट लेवल पर जरा नाम तो कमाने दो और कप जीत कर लाने दो। अगर अरुणा जीत गई तो स्पोर्ट्स कोटे में इसे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, 50-60 हजार रुपए कमाएगी। इसे पढ़ाने में तुमने जितना खून पसीना बहाया है, जितनी मेहनत की है, वो सफल हो जाएगी। फिर समय आएगा कि तुम अपनी जरूरतों को इसकी कमाई से पूरा करो। और देखिए, आप सब लोग भी सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि आप लोग भी अपनी अपनी बेटियों पर कितना भरोसा करते हैं, पर मुझे बहुत है, और वो भी आप लोगों से कहीं ज्यादा है। एक दिन ये सब सफल होंगी, नाम कमाएंगी, मुझ पे भरोसा रखें। आपसे यही गुजारिश है, ठीक है? कैलाश जरा सुनो। जी सर। स्टेट लेवल के मैचेस के लिए और कितने दिन रह गए? 30 दिन रह गए हैं सर, बस खर्चा 75 के करीब होगा। तुम्हारा हिसाब कुछ ठीक नहीं है, सारा खर्चा कुछ 1-1.5 लाख रुपए तक होगा। अरे मास्टर जी नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे असली मास्टर तो आप हैं, मैं तो बस नाम का हूँ। अरे कैसे हो बेटा, सब ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ, मैंने उस दिन मैच में खेलते हुए लोगों को देखा था। बताया इन्होंने। मुथु जी, दरअसल ये दोनों आपके कबड्डी क्लब में दाखिला लेना चाहती हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। नेकी और पूछ पूछ, ये दोनों बहुत अच्छा खेलती है, मैंने उस दिन गौर से देखा था, भविष्य अच्छा है उनका। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। ए आशीर्वाद लो। अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो। अरे यार, अब इन लोगों ने भी क्लब ज्वाइन कर लिया। उनके आने का एक ही मतलब है, 2 खिलाड़ियों को मैच से बाहर होना पड़ेगा। इतनी आसानी से थोड़ी बाहर जाएंगे, जरूरत होगी तो लड़ेंगे। हेलो, यस सर। हाँ सब आ गए हैं सर, प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है सर, आराम से संभल के। आप देख सकती हैं कि 2 ब्लॉकेजेस हैं, एक तो 90% ब्लॉक है, ऑपरेशन जल्दी ना हुआ तो इनकी जान जा सकती है। ठीक है डॉक्टर, आप शुरू कर दीजिए। जी। देखो बच्चों, ये एक युद्ध है, तुम्हारे सामने वाला जो विरोधी है वो दुश्मन है, और ये बीच की लाइन सरहद। भेड़ बकरी की तरह यहां वहां करने से अच्छा है कि शेर की तरह वार करो, समझे? तुम्हारी बारी, जाओ धूल चटा दो। कबड्डी 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 2 पॉइंट सदर्न रेलवे। बहुत अच्छे, टाइम अप, 50 सेकंड्स लेफ्ट, आखिरी 50 सेकंड्स बचे, सिर्फ 2 राउंड। जी सर, उन्हें भागने का मौका मत देना, वहीं दबोच लेना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हारना नहीं है। हाँ, हाँ। वेट करना, पहले उसे पास आने देना और मौका मिलते ही दबोच लेना। किस्मत हमारे साथ है, हम ही जीतेंगे, ठीक है? कोई गलती नहीं, टाई ब्रेकर में बाजी बटेंगे। ओके, कम ऑन कम ऑन। उसको अंदर आने दे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हेलो सर जी। नमस्ते सर, जैसा आपका आदेश था। मैच खत्म होने तक हमें सिर्फ टाइम पास करना है। ये कोई जुए का अड्डा या कैसीनो हाउस नहीं है, समझाना। खेल से गदारी, जो करना है कर। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं गेम को टाई ब्रेकर तक खिंचवा रहा हूं सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप ही की टीम जीतेगी। सर एक मिनट, वो मेरी पोस्टिंग का कुछ। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। कबड्डी 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 कबड्डी। मनोज। हाँ सुनील बोल रहा हूँ। बोलो कहाँ पहुँचे। मैं अभी ट्रेन में ही हूँ। और कितना टाइम लगेगा। आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। आओ मनोज। कितने पैसे देने। 1,00,000 दे दिया है, 2 और देने हैं। सुनील 2,00,000 दे देना। गुरुजी कहाँ है, ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। और 3 घंटे शायद। मुझे तो मैडम की फिक्र हो रही है। उन्हें क्या हो गया। आखिर कब तक रोएगी। अम्मा चुप हो जाना। आओ बेटा हिम्मत रखिए। माँ जी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। खुद को संभालिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन कामयाब रहा, आप 2 घंटे बाद उन्हें मिल सकते हैं। गुरुजी, गुरुजी। अरे मनोज तुम कब आए। बैठो बैठो ना। अब तबीयत कैसी है। बीच बीच में दर्द बहुत होता है, क्या करें। तुम घबरा मत मनोज। हाँ पता है, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो मुझे अपनी फिक्र नहीं बल्कि उन बच्चियों की हो रही थी जो मेरी टीम से खेलती हैं। मैंने उनके घर वालों से कहा था उनका भविष्य उज्जवल होगा, उन लोगों की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अगले महीने हम स्टेट मैच खेलने वाले हैं, पर मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम 1 महीने के लिए रुक जाते और उन बच्चियों को ट्रेनिंग दे देते तो बहुत अच्छा होता। स्टार्ट। कमान कमान, जल्दी जल्दी, कछुए की तरह नहीं, जल्दी जल्दी पैर चलाओ जल्दी। हमारी टीम में सबसे अच्छा ऑफेंस कौन कर लेता। मुझे वो अच्छी तरह आता है कोच। और डिफेंस। डिफेंस भी बहुत अच्छी तरह कर लेता हूँ कोच। आज से रात का खाना तुम बनाओगी। मीनाक्षी मैम यहाँ आइए। हाँ बोलिए ना कोच। रात को अंताक्षरी खेल रही थी। वो मैं स्कूटी में पेट्रोल डालना भूल गई थी। पर खाना खाना नहीं भूली ना। देख क्या रही है, खाएगी क्या मुझे। बहुत जबान चल रही है ना तेरी मोटी चिक्कू। तुझे तो बाद में देखती। 50 मिनट लेट मतलब 50 चक्कर। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। इसमें क्या है, करके दिखाती हूँ। ए मोटे। बोलिए ना कोच। मैडम 50 चक्कर वो भी गोले के अंदर, समझ गई कोच। अबे ओ ऊपर वाले। कैलाश ध्यान रखना, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, बाद में पूरा वीडियो देखूंगा। अब उल्टा चक्कर, रिवर्स में रिवर्स में। ये जानबूझ के कर रहा है। बहुत वार्म अप हो गया, चलो सब लोग आओ। कोच हे, ये कचरा किसने किया। रोज सुबह आकर ये कचरा साफ करना पड़ता है। रात में पास के लड़के यहाँ आकर दारू पीते हैं और सारा कचरा छोड़ जाते हैं। तो उन्हें बोलना चाहिए ना। पता चलेगा तभी ना कुछ बोलेंगे। ये तो हर रोज का नाटक है, पहले सफाई करो फिर खेलो। तुम लोगों ने कम्प्लेन क्यों नहीं की। मेरे पापा ने पुलिस में कम्प्लेन की थी लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अरे, 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 अरे,
अरे क्या हुआ, तुम्हारे पीछे डॉबरमैन लगा जो इतना चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? मीनाक्षी बेहोश हो गई है। अरे नाटक करिए नाटक, ड्रामा, मुंह पे पानी डाल, मछली की तरह तड़प के बाहर आएगी। मछली की टंकी का गंदा पानी डाल, चल जा। ए लेडी कुमकरण, जाग जा। जाग गई। बास मार रहा है। कोच ने तुझे उठाकर फिर से चक्कर लगवाने के लिए कहा है। कोच। तो वो लोग आज रात भी आए थे? हाँ हाँ कोच। मीनाक्षी एक मिनट, वो कचरा फेंकना मत। चिंगम हाँ, उस फुंदरू का फुटेज चेक करो। ओके। अरे बोला ना कल कर देगा। मीना ये कचरा सीधे ले जाकर उनके हॉल में फेंकना, ताकि उनके चिल्लाने की आवाज यहां तक आए। जाओ। अरे अरे अरे, ये क्या नाटक है? ये ले, खा ले। ए लड़की दिमाग खराब है, कूड़ा यहाँ पर क्यों फेंका? इतनी जोरों से अपने बेटे को समझाता ना तो ये नालायक ना होता। हम तो कब से इसे ढूंढ रहे थे। अब जाकर पता चला कि ये इस घर की मूली है। खुला मत छोड़ना इसे, बहुत खतरनाक है। एक खूंटा गाड़ो और रस्सी से बांध दो, ठीक है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत है या ऐसे मुंह उठा के आ गई हो? 4K ब्लू रे वीडियो, कचरे के अंदर का एक एक कीड़ा दिखाई देगा आपको। और हाँ, क्लाइमैक्स तक देखना। आपके बेटे ने सुसु से जो पेंटिंग की है, वाह। ए झिंगुर, चलती हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। तेरे दिमाग को मानना पड़ेगा, कैमरे से जासूसी कर लिया तू। चल अब तेरे को पता चल गया तो क्या करेगा? उखाड़ लेगा। अबे तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। आधे तो ऊपर चले गए और तूने तो अपने छोटे के घर जाकर भांडा फोड़ दिया। नहीं करना था, अब नाम खराब कर दिया ना तो बदला तो बनता है। अब छोटू तेरे को फोड़ेगा, तेरा हड्डी तोड़ेगा और लड़कियां भी छेड़ेगा। हाँ तो तू रेडी है ना? ये प्रोग्राम खत्म होते ही तेरी पुंगी बजेगी। हीरो बनने की बहुत खुजली है तेरे को। रुक अभी तेरे को मस्त मल्लम लगाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने दे। अरे सपन सूरी काय को गिर रहे लिए। मानना पड़ेगा, देखकर तो अनाड़ी लग रहे थे लेकिन खिलाड़ी निकले। साथ में कोयता भी लाया, वाह भाई गजब। लेकिन एक बात बताऊं, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हारी हड्डियों के इतने टुकड़े करूंगा कि दुनिया का कोई भी इंजीनियर उसे जोड़ने आराम से। ये जो प्लास्टिक, गमला, मोटर, साइकिल, ईंटें, ये सब जो तुम लोग देख रहे हो ना, गुरुजी ने पसीना बहाकर खरीदा है। टूट गए तो उनका दिल टूट जाएगा। चलो ना बाहर मैदान में लड़ते हैं। हाँ कम ऑन। अरे शर्मा क्यों रहे हो, आ जा। क्यों रे, अपने आप को चंगेज खान की औलाद समझता है क्या? क्या ना, होश में जोश खोया तो फुल फोर्स में लाफा पड़ता है और झन्नाटेदार लाफे की वजह से पूरा सन्नाटा छा जाता है। अरे कोच, इन बेवकूफों को क्या समझा रहे हो? टाइम खोटी मत करो, मुद्दे की बात पे आओ। लाइट है, कैमरा ऑन। ऑन। साउंड ऑन। रोलिंग। एक्शन। बदिर, दावत खाने आया क्या? चल इधर। चैन खुली की मैन, खुली की मैन, खुली की चैन। मनोज देर हो रही है। आया आया आया। सुनो, प्रैक्टिस के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। हाँ तो बाकियों को बोलो चलने के लिए। मैं स्वच्छ भारत मिशन पर हूँ, दिमाग का कचरा निकाल रहा हूँ। तो चलो बुगिया लेके आते हैं। भंगड़ा पाले। अच्छा जल्दी आ। आइसक्रीम।
ओ आइसक्रीम वाले चिचा जवान खाए तो बनेगा पहलवान मेरे लिए ले तू भी चल ले फाइट बोल गया क्या ब्रेक चल रहा है यार अच्छा चल आ जा मेरी आइसक्रीम वाह बेटा वाह कमाल कर इन सब की धोती फाड़ के रुमाल कर दिया टैंग 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 मजा आया मेरी गलती नहीं है तू खुद जाके बैठा है ए सूखे बोम्बेल इतना फड़फड़ा क्यों रहा है चल अच्छा भाग के दिखा भागेगा चड्डी वाला कछुआ ए जोकी जा लौकी तोड़ के आ अरे नंगा जा रहा है मम्मी मारेगी नहीं छोड़ूंगा बदला लेकर आऊंगा कोच वो बाकी लड़कियां हमारे साथ मिलकर नहीं खेलती हाँ, फिर? वो लोग हमेशा अनदेखा भी करती हाँ? और वो लोग हमसे टीम की बातें भी नहीं शेयर करती तो क्या करें हम क्लब छोड़ देंगे कोच तो ये बात है खेल शुरू होने से पहले ही हार मान लिया जहाँ भी जाओगी पॉलिटिक्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी हर जगह तुम्हें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स मिलेंगे चलो मान लो अगर तुम इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गई तो वहाँ भी तुम्हें अलग अलग स्टेट के खिलाड़ी मिलेंगे फिर जूनियर सीनियर्स की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि नहीं तो वहाँ कैसे टिक पाओगी बेहतर होगा इन सब बातों से अनुभव लो और आगे बढ़ो चलो जाओ लेकिन कोच अगर वो लोग नहीं माने तो तुम बस अपने गेम पर ध्यान दो अगर तुम में यूनिटी नहीं होगी तो विरोधी इसका पूरा फायदा उठाएंगे विरोधियों को बोलने दो तुम अपना काम करो जाओ चलो जाओ ठीक है कोच देखो बच्चों इस टूर्नामेंट का तुम्हारी जिंदगी में खास मकसद है तंजावुर की टीम के साथ खेलते समय डिफेंस का ध्यान रखना बाकियों पर चढ़ के खेलना समझ गया ना समझ गया गुरुजी ए कोच बाबू देखो तुम अपनी तरह इन लोगों को खेल सिखाकर इनका दिमाग मत खराब कर देना नहीं गुरुजी जैसा आपने कहा है वैसे ही खेलेंगे चलो जीत के आएंगे जीत के आएंगे आओ आओ चलो 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 आराम से पीछे बैठते जाओ हाँ ड्राइवर भाई साहब थोड़ी देर और रोक लो और भी लोग बाकी हैं तेरी गोद में बैठू क्या पीछे जाके बैठ क्यों जूनियर होके सवाल लड़ा रही है मैंने बोला ना पीछे बैठ सुनाई नहीं देता सीनियर्स की इज्जत कर चल पीछे जा हम क्यों पीछे जाए ये नहीं जा सकती क्या ए, फिर से नाटक शुरू हो गया तुम्हारा कुछ नहीं कोच जीवा एक मिनट आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी क्यों लड़े जा रही हो तुम कुछ भी तो नहीं ए, विद्या क्या चल रही है कुछ नहीं कोच जाओ ये लोग मैच जीतेंगे चलो गाड़ी स्टार्ट करो डुंडुगल के स्टेट लेवल मैच में कुल 32 टीमों ने भाग लिया पहली लीग में हमें तंजावुर कोयंबटूर और मदुराई से भिड़ना था हमारा पहला लीग मैच तंजावुर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ था सब लोग तैयार कौन सा टकराएगा बासी कमन ढोकला खाएगा क्या देख रही है जीतने का है वो भी एक नंबर समझ गई ये घमंड ढोकला इतना चीख क्यों रहा है ये बड़ौदा टीम का कोच है दिल्ली से यहाँ आया है क्योंकि नारी सब पे जोर से पड़ती है भारी लग रहा है इसे किसी ढाबे पे देखा है पक्का ये बड़ौदा का कोच है परोठे वाला ही लगता है भांगी नाको तोड़ी नाको भुक्का करी नाको एक चाय मलाई मार के कटिंग के फूल भैंसनी टांग सबको पता चल गया कि मैं ढाबे में काम करता था सब मेरा बचा है मैं कोच बापू वो तेरा पराठा खिलाने वाला सेठ का है ए, वो जिंदा नहीं है तू चिल्ला क्यों रहा है सुनाई देता है जीतने धीरे धीरे जीतने का नहीं तो हम तुमको पीटने का ओके ओके सही बोलने का आप इसे जानते हो क्या क्या अलीबाग में पराठे बेचता था लाइफ में ट्विस्ट ढाबा बंद करके कोच मैंने जानबूझकर विद्या और वृंदा को टीम से बाहर बिठा दिया डेंजर गोल वन पॉइंट फाउल डेंजर गोल टू पॉइंट्स तंजावुर टू पॉइंट्स डेंजर गोल के लिए एक और पॉइंट
और ये ग्रुप अटैक, तंजावर को 2 पॉइंट, जबरदस्त। इसी के साथ तंजावर को एक और पॉइंट। वाह, क्या दाव था। टोटल स्कोर टिंडिकुल 10, तंजावर 14। ऑफ टाइम। एक बात सुनो, स्कोर तो अच्छा ही बना है, पर दाल की तरह उबाल मारना चाहिए, समझे कि नहीं। मैच जीतने पर क्या देने का वादा किया था? बोरी भर के चावल। बोरी भर के। तेरे को कंगन, लाल कंगन। तेरे को मोबाइल का रिचार्ज। 21 साल की हो जाएगी तब तक 16 रुपए का रिचार्ज करा के दूंगा हूँ, बात करती रहे। तेरे को ऊपर कबूतर देख रही है क्या? क्यों मारा बे? गेम के अलावा हर जगह ध्यान रहता है, मुझे देख तो रही थी, इसीलिए हमको हराने पे तुली है। थोड़ी तो दया कर, मैं इधर कोच हूँ, कोई भैंस चराने नहीं आया हूँ। अगर ये जॉब चली गई ना तो मुझे मेरा फेफड़ा बेचना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सौदा करता हूँ, अगर हमारी टीम जीत गई तो तुम्हें क्या मिलेगा उसका लिस्ट बनाना शुरू कर दो। ऐसा खिलाऊंगा कि प्लेट चाट जाओगी। है, चलेगा ना? तो बोलो क्या क्या खाओगी? डोसा। किसके साथ? सांभर के साथ। और साथ में चटनी मारे। मेरे को भी खिलाओगी ना? फाफड़ा जलेबी तंजावर 1 पॉइंट। क्या बात है, इसमें से उठाने का, वेस्ट में पटक देने का। प्लेयर नंबर 11 आउट। बोनस, दिवाली का बोनस भी दूंगा। फाउल। पीछे 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 पीछे। तंजावर को एक और पॉइंट। इसी के साथ मैच ओवर। अगर हम ये मैच भी हार गए तो सामान बांधकर सीधा घर जाना पड़ेगा। तो मित्र डीप क्यों जा रही थी? इनको समझा के कोई फायदा नहीं होगा। ड्राइवर से कहो कि पेट्रोल भरा ले, अगले मैच के बाद घर चलेंगे। फिर नाखून नहीं बढ़ना चाहिए वरना उंगली काट लूंगा। ठीक है कोच। बोलो कैप्टन, सुन रहा हूँ। अगले मैच में विद्या और वृंदा को भी खिलाते हैं। सोच लिया है? जी सोच लिया है। एक बार उनसे भी बात कर लो। हाँ, मैंने सबसे बात कर ली है। विद्या वृंदा, अगले मैच में तुम दोनों भी खेल रही हो, जाओ साथ में प्रैक्टिस शुरू कर दो। जाओ ले जाओ ने। तू क्या देख रही है? चल तू भी जा, चल निकल। मनोज, हाँ? तुमने कितनी आसानी से उन्हें समझा दिया। मैंने नहीं, हारने के डर ने इन्हें साथ रहना सिखाया। अगर ये ऐसे ही साथ मिलकर लड़ेंगी तो इन्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप पीछे रहिए। बोनस के साथ एक और पॉइंट मिलता है कैनेडी क्लब को। पैसे संभाल के घेर ले, घेर ले, खींच खींच, चल। बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट, काका बोनस पॉइंट, दो बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट नहीं है सर, मैंने अपनी आंख से देखा है, बोनस पॉइंट नहीं है। फिर झगड़ा कर रहे हैं, एक चाय मलाई मार के। मासी ने क्या मेरे को ऑर्डर देते रहता है? बोला ना मेरा सेट मर गया, अब मैं ढाबे वाला नहीं हूँ। प्याज का पकोड़ा याद है? पकोड़ा याद है, बेसन में गिरा मकोड़ा भी याद है। उसी वजह से कुत्ते की तरह मार खाया, इधर कोच बन गया, वो तुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो क्या तूने झूठ क्यों बोला कि तू बड़ौदा का रहने वाला है? ये थी तेरी पहली गलती, और बेवजह बोनस मांग रहा था ये थी तेरी दूसरी गलती। जो भी हो, मेरा नाम खराब मत करो, मेरे को गेम खेलना। तो गेम खेलना, चीटिंग क्यों कर रहा है? मेरे को ब्लैकमेल भी मत कर भाई। तू चाहता है कि मैनेजमेंट को पता चले कि तू बावर्ची है? चल जा। मम्मी मरी गयो, कोई मुझे इस ड्रैकुला से बचाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट तंजावर को। हाफ टाइम। अब अपनी मेन स्ट्रेटजी अपनाओ। सेम टू सेम पॉइंट्स हैं, गन्ने का जूस पियो, बॉडी बनाओ। अरे अकेले क्या करेगी? अरे क्या बात है,
और पकड़ लिया तंजावर को एक पॉइंट। बहुत खूब, कैनेडी क्लब को मिलता है एक और पॉइंट। किक मारने की कोशिश, बाल बाल बची। अच्छी शुरुआत कैनेडी क्लब की विद्या, आगे बढ़ते हुए। अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैच ओवर। बहुत अच्छे। अब तू जाकर पराठे की दुकान वापस शुरू कर सकता। भाई तूने तो ऐसे डेटे करवा दी। अरे कोई नहीं, चूलन है मेरे पास, ठीक हो जाएगा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। विद्या के स्टेट मैच और यूनिवर्सिटी मैच दोनों में बेहतरीन खेल की वजह से उसे एशियाई खेलों के इंडियन कैंप में चुन लिया गया। इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे आ गया, आ गया। बहुत अच्छी बात हो। हमारे क्लब से विद्या के इंडियन कैंप में सिलेक्ट होने से हमारे गुरुजी बहुत खुश हैं। बहुत खुशी हुई। दो महीने के बाद विद्या इंडियन कैंप के लिए पुणे चली गई। वन पॉइंट राइडर को कम ऑन, और थ्री पॉइंट तमिलनाडु अटैक करो। इंडियन कैंप में भी विद्या ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। थ्री पॉइंट राइडर को। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, विद्या इंडियन टीम सिलेक्शन में फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे हमने सोचा भी नहीं था। बुद्धू जी, विद्या को टीम में लेने के लिए वो लोग 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ गुरु जी बताइए। मनोज वो विद्या को टीम में लेने के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांग रहा है मुकेश। ठीक है सर, मैं उनसे एक बार पर्सनली बात करता हूँ। क्या आप सदर्न रेलवे प्लेयर मनोज हैं? यस। आपको सर अंदर बुला रहे हैं। हाँ आप भी। एक्सक्यूज मी सर। ए मनोज, काम काम काम, प्लीज बैठो ना। नहीं मैं ठीक हूँ सर। अरे ये सब फॉर्मेलिटी क्यों यार, बैठो बैठो आराम से प्लीज। दो चाय बोलना। ठीक है लाता हूँ सर। यस मनोज कहो, क्या बात है? सर ये विद्या है, लास्ट वीक ये इंडियन कैंप में थी। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, ये बहुत अच्छा खेलती, आई नो, गुड प्लेयर। हाँ सर, वो एशियाई टीम में सेलेक्ट करने के लिए राजेश ने कहा है कि आपने पैसे मांगे हैं। कितना कहा उसने? 20 लाख सर। हाँ ठीक है, 20 लाख सही है। सर ये गरीब परिवार से है, इतनी बड़ी रकम ये नहीं दे पाएगी। देखो मनोज, ऐसा है, हमारी टीम पिछले 6 साल से लगातार जीतती आ रही है, एक भी मैच नहीं आ रही, और इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हम ही जीतेंगे। जीतने वाले हर प्लेयर को सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख रुपए देती है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब और न जाने और कितने सारे फायदे। यार सिर्फ 20 लाख ही तो मांग रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? देखो मनोज, क्योंकि तुम यहां तक आए हो तो इससे कहो सिर्फ 10 लाख और देते, एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए, कुल मिला के सिर्फ 30 लाख। ए, ए, बस बस, अरे नीचे उतारो। गुड गुड, बहुत अच्छा खेले। थैंक यू सर। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। गुड, अच्छा है अच्छा है। ऐसा है मनोज जी, कोच बनने का फैसला कर लिया आपने? मैंने क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया? सर हम जीत गए सर। प्लेयर के तौर पे तुम जीते, कोच की हैसियत से मैं हारा। एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी टीम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये तुम्हारे साथ मेरा आखिरी गेम। इतने गंभीर क्यों हो गए यार? ऐसे मत देखो जैसे मैं बदला ले रहा हूं। डाउट नहीं रखना, बदला ही ले रहा हूं। सर आप ये हमारे साथ, ए तेरे से जो बन पड़ता वो कर ले, चल निकाल। अब आप देखिए इसका सिलेक्शन मैं इंडियन टीम में कैसे करवाता हूं। ओ वाओ, जा करा ले।
वक्त ही बताएगा। चलो विद्या। हाँ हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा। जैन सर आओ। एलेक्स आओ। हाँ मैं 5 बजे फोन करता हूँ। और कैसे हो? सब ठीक है सर। ये मेरा फ्रेंड मनोज, आपसे मिलने आया सर। नमस्ते सर। विद्या है, इसकी आप लोग बैठिए ना। एक बात कहूँ मनोज जी, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। इस लड़की के लिए मुकेश से पंगा लेना आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। मेरी मानो तो इस मैटर से दूर रहो। विद्या को यूनियन में डिफेंड करने की वजह से मुकेश ने मेरा नाम प्लेयर लिस्ट से हटा दिया था और मेरा ट्रांसफर दूर दराज के रेलवे स्टेशन के एक टिकट काउंटर पर कर दिया था। दो महीने के बाद एशियाई खेल शुरू हुए। फाइनल मैच में इंडिया का मुकाबला ईरान से हुआ। और इंडिया फाइनल में ईरान से हार गया। यार लकी है। अगर 2 पॉइंट और मिल गया तो लोग जीत सकते हैं। भारत के लाखों लोग जो कबड्डी को दिलो जान से चाहते थे, उनके लिए ये एक मनहूस दिन था। काबिल होने के बावजूद टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पिछले 25 सालों में इंडिया कभी ऐसे नहीं हारा, पर आज इंडिया फाइनल पहुंचकर भी हार गया। 2 महीने पहले मैं इंडियन टीम में सिलेक्ट हुई थी, अच्छा खेली भी, पर फाइनल टीम में सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कमेटी ने मुझसे 30 लाख रुपए मांगे जो मेरे पास नहीं थे। टैलेंट होने के बावजूद मुझे पैसों की कमी के चलते टीम से निकाल दिया गया। मेरा ये कदम हर उस खिलाड़ी के लिए है जो टैलेंटेड है और मेहनती है। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कायर हूँ, लेकिन सपनों के टूट जाने के बाद मेरा इस तरह जिंदा लाश बनकर रहने का कोई मतलब नहीं। मैं इस वीडियो के जरिए अपने साथ हुए इस अन्याय को देश की जनता और मीडिया तक पहुंचाना चाहती हूं, ताकि उस रिश्वतखोर सिलेक्शन कमेटी के चीफ मुकेश को सजा मिले। मेरी बहन भी कबड्डी प्लेयर है, हम दोनों जुड़वा हैं। वीरू, पापा का ख्याल रखना। सॉरी पापा। कैलाश जी, मनोज, इंडियन टीम में सिलेक्ट ना होने की वजह से विद्या ने आज सुबह जहर खा लिया। ये क्या कह रहे हो? कहीं की हा? जान लेने से कुछ होगा है? ये करने से वो लोग तुझे टीम में ले लेंगे। एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, असफल हो जाना इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा है जो उसे झेलना ही पड़ता है। बिना इसका सामना किए कोई सफल नहीं हो पाता। औरतों के लिए बहादुरी का जश्न सिर्फ 2 जगह पर मनाया जाता है, एक युद्ध के मैदान में और दूसरा खेल के मैदान में। और दोनों ही जगह सामना किए बिना हार मान लेना शर्म की बात होती है। तुम्हें जीना होगा, हालात से लड़ना होगा, क्योंकि सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत से ही मिलेगी। यह बात समझ लो तुम। सच्चे खिलाड़ी की यही पहचान होती है, ठीक है? ये कबड्डी का खेल इन लोगों को बर्बाद करके रख देगा, हमें बख्श दीजिए ना।
बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए रिश्ता आया है उसके लिए, उस पर रहम खाइए। मेरे पूरे परिवार की जिंदगी मंदिर के चढ़ावे से चलती है, अब मैं 30 लाख कहाँ से लाऊंगा? दुनिया के लोग सपने देखते हैं, बस गरीब सपना नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दीजिए। इस हादसे के बाद बाकी लड़कियों ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। घर का खर्च चलाने के लिए सब लोगों ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। वो ये भूल चुकी थी कि दुनिया अभी भी खत्म नहीं हुई है, अपने सपनों को अभी भी जिया जा सकता है। अगर जिंदगी में मनचाही चीज ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसका साइज ठीक है ना? गुरु जी ने इन लड़कियों के सपनों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। अच्छा लग रहा है। और यही बात उन्हें धीरे धीरे अंदर से खाए जा रही थी। उनकी हालत एक ऐसे पिता की तरह हो गई थी जो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। जो लड़कियां हमारे देश के भविष्य हैं, उन्होंने पेट की भूख की खातिर खुद के भविष्य से समझौता कर लिया। जिनके पैरों ने कभी कबड्डी का मैदान नापा था, आज वो दूसरों के पैरों का नाप ले रही हैं। तकलीफों की बौछारें तो पड़ती ही रहती हैं, उनसे भाग कर जाए तो जाए कहां। तकलीफ भरे इस अंधियारे में खुशियों का दीपक तो जलाना ही पड़ता है। पेड़ से चिड़ियों के चले जाने से पेड़ रोने तो नहीं लगता, कल कभी खत्म नहीं होता क्योंकि वो एक नए सवेरे के साथ फिर आता है। अगर दिल में कुछ करने की चाह हो तो ऊपर वाला राह खुद ब खुद बना देता है। तो आओ अपनी मेहनत और लगन से उम्मीदों की फसल फिर से उगाएं। चलो एक बार फिर से जी जाएं। पतझड़ के बाद बहारें फिर से आती हैं, मुरझाई कलियां एक बार फिर से जरूर मुस्कुराती हैं। हेलो सर, मैं विश्वनाथ बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर वो सदन रेलवे प्लेयर मनोज को तो आप जानते हैं ना? हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? वो टीम में वापस आना चाहते हैं। मनोज बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ इस तरह बंधे हैं। दुख होता है कि तुम जैसा काबिल इंसान ऐसे खड़ा है, बेबस लाचार। डोंट वरी सर, मैं यहाँ कबड्डी टीम में वापस आने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाने या भीख मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। आपको वार्निंग देने के लिए आया हूं। आप तो चौंके सर, आप चौंकिए मत सर वरना हार्ट पर लोड पड़ जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी निकल जाएगी। तब तक खाते रहे खाते रहे। इस मैच में इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आने वाले हैं। ये मैच अगले शुक्रवार को होगा, उस दिन सारा मीडिया आने वाला है और वो कमीना मुकेश राठौर भी। हमें उससे बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। करने का तो कुछ भी कर सकते हैं पर उसके लिए हमारे पास टीम कहाँ है? कहना क्या चाहते हैं? हमें बख्श दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर वो इतने पैसे मांगेंगे तो हम कहां से लाएंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके घर वालों से बात करूंगा। तुम्हें कोशिश करके देखना चाहिए। इस नौकरी ने तुम्हारी गरीबी को खत्म कर दिया है या फिर हार कर तुम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं? क्या हो गया है तुम लोगों पर? कोच वो लोग पैसे मांगते हैं, हम कहां से लाएंगे? उन्हें पैसे नहीं जूते से मारेंगे, हम सब मिलकर उन्हें बेनकाब करेंगे। जीवा कितने सालों से कबड्डी खेल रही हो? 8 साल से कोच। जिन तकलीफों और दर्द को तुमने 8 सालों तक सहा है क्या उसके बारे में भूल गई तुम? एक कमीने की वजह से तुम लोग पीछे हट गए, जानती हो इससे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? उनके हौसले टूट जाएंगे, उनका सपना बिखर जाएगा। तकलीफें सहकर भी तुमने कबड्डी खेली ना, तो अब क्यों? कबड्डी छोड़ने के तुम लोग बहाने तलाश रही हो। आखिर क्या हासिल होगा? अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचानो, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी किसी न किसी रूप से खेल से जुड़ा रहता है। कोच बनकर, अंपायर बनकर, ग्राउंड्समैन बनकर वो कभी खेल से पीछा नहीं छोड़ा था।
अगर आज तुमने कबड्डी खेलना छोड़ दिया तो कल गांव से कोई भी माँ बाप अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। तुम्हारा सपना है कि घर बनाना है, कार खरीदनी है, देश विदेश घूमना है। कबड्डी इसीलिए चुना ताकि गरीबी मिटे। सुबह से लेकर शाम तक तुम लोगों ने घंटों प्रैक्टिस की है, उसके लिए तपती चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाया। क्या उन कुर्बानियों को भूल गई? क्या तुम्हारे जीने का अब कोई मकसद नहीं है? अपनी जान से ज्यादा तुमने इस खेल को प्यार दिया, अब मैदान में उतरने की बारी आई तो मुंह मोड़ रही हो? याद रखना, हारता वो है जो घुटने टेकता है और जीतता वही है जो हारी बाजी पलट के रख देता है। नहीं कोच, जब तक हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब उसका गला क्यों घोटना चाहते हैं? उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसे पैरों पर खड़ा होने दीजिए, लड़ने दीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी क्या कमाल करती है। क्या आप चाहती हैं कि आप जो करती हैं सारी जिंदगी आपकी बेटी भी वही करती रहे? जब आपकी बेटी कबड्डी खेलेगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलेगी, हर उस गरीब लड़की के लिए खेलेगी जिनका सपना कबड्डी है। पर बेटा विद्या के साथ क्या हुआ जानते हो ना? वो सबके साथ नहीं होता। विद्या ने आत्महत्या की कोशिश की, मैं इनकार नहीं करता, पर उसने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? इसलिए नहीं कि उसे सिलेक्ट करने के बाद टीम से निकाल दिया गया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी जैसी और लड़कियों के साथ पैसों के लिए अन्याय ना हो। आप लोग क्यों नहीं समझते? मेरी बात सुनिए, इस बार हमें दिल्ली का मैच किसी भी तरह जीतना है, तभी हम सिलेक्शन कमेटी के उस कमीने को हटा पाएंगे। आपकी बेटी जीतने के लिए बनी है और वो जरूर जीतेगी, मेरा विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल प्लेग्राउंड में आपकी बेटी जरूर आएगी। आपकी बेटी का भविष्य अब आप पर है। प्रणाम, चलता हूँ। आज रात हम सभी बस से 9 बजे रवाना होंगे, क्योंकि 10 बजे हमें दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है, समझ गए? शुक्रवार को हमारा पहला मैच होगा, ओके? हमें ये मैच जीतना है। कल्लेश्वरी कहाँ रह गई? वो नहीं आ सकती, आज उसकी शादी है कुछ। सर आशीर्वाद दीजिए। सर मेरी शादी हो गई, टांग तो बहुत लोगों ने अड़ाई लेकिन मैंने तोड़ दी, मैंने अपने झिंगुर से ही शादी की। तुम्हारा झिंगुर मतलब पति का? ठीक है, बुलाती हूँ। ए झिंगुर, अरे जाना। आता हूँ पत्नी जी। आया। अरे पब्लिक के सामने तो इज्जत का फालूदा मत करो। ये हमारे कोच हैं। चल जल्दी बैठ जाओ। वो दिल्ली के मैच के बारे में बताया था ना, मुझे उसमें 10 दिन लगे। जाओ 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 सर, ले जाइए, कोई बात नहीं। अरे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कोई चारा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैच शुक्रवार को है और उसके लिए आज ही रात निकलना पड़ेगा। आज रात से? कोई बात नहीं सर, लेके जाइए सर, लेके जाइए। वो क्या है कि आज ही तुम दोनों की शादी हुई है और दुनिया में कईयों के सपने टूटते हैं सर, आज मेरा टूट गया, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम इसका तो पूरा होगा। कुर्बानी दे रहा है इस छोटे से दिल के अंदर, मतलब बहुत अंदर मैंने कलेश्वरी प्यार छुपा कर रखा है। वो प्यार कह रहा है कि अपनी कलेश्वरी के लिए कुछ कर, तो मैंने उससे कहा कि हम अपनी कबड्डी बाद में खेल लेंगे। तू समझ क्यों नहीं रहा है, आज तेरी फर्स्ट नाइट है। सर मेरी फर्स्ट नाइट है तो आपको क्यों टेंशन हो रहा है? आप लेके जाओ ना सर, आप लेके जाओ। अरे लेके जाओ ना, जाओ रानी। माँ बाप क्या बोलेंगे? अरे उनको चुना लगा ना, मुझे आता है। सास ससुर? ओ अच्छा अच्छा, सास ससुर क्या? अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सर मैंने सासू माँ से वादा किया था कि शादी के बाद अपनी पत्नी को मैं बरमोडा ट्रायंगल लेके जाऊंगा सर। पर ये तो हमारे साथ जा रही है। तो आपको पता है, सासू माँ को नहीं पता, मेरा भांडा मत फोड़ो सर। आप जाइए और कबड्डी में कबड़ी कबड़ी करके दुश्मनों की छुट्टी कर दीजिए, मेरी कुर्बानी जाया ना जाए। अरे डर मत, जाया नहीं जाएगी। तू कलेश्वरी के दिल का राजकुमार जो है सर, इन्हें कैसे पता?
कहीं बैनर पे लिख तो नहीं दिया? आपको इस नाम के बारे में किसने बताया? कलेश्वरी तेरे बारे में ही बात करती है, कहती है तू साफ दिल वाला है। वो तो मैं हूं सर, लेकिन आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू सर। जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। कले कले अरे रुक, तो तुझे तो रात को जाना है ना, तो अभी सवारी कहाँ चली? ड्रॉप करने जा रही हूँ। ड्रॉप करने के बाद तू वापस आएगी ना? आऊंगी। तो जा 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 सर। तुम लोग नहीं जाओगी? जा जा जा। पहली रात में इसकी नैया डूब गई। गांव बसाने की लुटेरे पहले ही लूटने के लिए आ गए। अरे वाह, तुम सर लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं, एकदम टाइम पे आया। संभाल के जाना, फर्स्ट नाइट होनी बाकी है। राजकुमार, तुम्हारा ये बलिदान लोगों को हमेशा याद रहेगा। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, बस उसके बदले इतना करना कि ये दो मिनट मुझसे रोज बात कर पाए। बस इतनी सी बात है? अरे दो मिनट क्या, पूरे दो घंटे बात करेगी, मैं बोल दूंगा। राजकुमारी जी अंदर चलिए, बस में प्रवेश कर लो, जाओ। चले बाय। ए कल्ली कल्ली कल्ली, अरे फरसन फरसन ले लिया। और हाँ, ये सफर के लिए पैसा दे। अरे ये तो चिल्लर है, असली माल देना तो भूल गया। जल्दी जल्दी, ये ले पीछे वाली जेब में देख ले। पैसे तो खत्म हो गए, सेवर दूँ? हाँ ये ले। अरे अंगूठी पकड़ के क्या करूँगी? ये अंगूठी पकड़ के खरीद लेंगे। पकड़ थी तब भी तो दे सकता था ना। चल अब जा, घर आएगी तब देना। सर ऐसे ज्यादा मजा आता है, नहीं तो ये दिल्ली तक पहुँच जाएगा। आवाज को ही इजहार कहते हैं, सिर्फ पाने का नाम ही मोहब्बत नहीं है, खोकर पाने को भी प्यार कहते हैं। जो भी करो सर, टिकट प्लीज, वरना पछताना पड़ सकता है। कैनेडी क्लब फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, कैनेडी क्लब तमिलनाडु। हाँ मिल गया। टोटल जनता कितनी है? 16। अच्छा 16। बाली उमर है। कहाँ गई? ये लो तुम्हारे ताले की चाबी। थैंक यू सर। अब ये क्या फोन कर रहा है आज? बोले जी। अच्छा सुन, ये जो तमिलनाडु वाला झिंगूर है ना, इसको चाबी इतनी जल्दी मत देना। थोड़ा इसको रखड़ा, घुमा फिरा, उसको वहीं बिठा के रख। ए भाई साहब, एक गलती हो गई। वो जो की आपको दी है वो मेरे घर की है। आपकी चाबी ऑन द वे है, यू जस्ट वेट एंड वॉच प्लीज। क्या हुआ? नमस्ते सर। हाँ महेश सर, वो मनोज आपको याद है, वो तमिलनाडु टीम का कोच बन गया है। जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। एक मिनट रुको। ए चश्मेश, कब मिलेगी हमारी चाबियाँ? ठंड रखो, 5 मिनट में आ रही है। अब से 5 मिनट। तमिलनाडु का कोच कौन है यहाँ? हाँ मैं हूँ, बोलिए। सर कोच मीटिंग के लिए आपको अंदर बुला रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? वहाँ हमें मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और एक घंटे से हम चाबियों का इंतजार कर रहे हैं। बिना फ्रेश हुए मैं कैसे आ सकता हूं? मैं क्या करूं, आप कमिटी से बात कर लीजिए। आइए अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा अर्जेंट था। जो शेड्यूल 5 दिन का था, अब हमें 3 दिन में पूरा करना होगा और सारे लीग मैचेस नॉकआउट में चेंज हो गए। सर ये क्या बात हुई, लीग मैच बोलकर आपने इसे अचानक नॉकआउट कर दिया? देखिए उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें मिनिस्टर के प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ा। वैसे भी ये सारे डिटेल्स हमने आपको ईमेल के थ्रू भेज दिए थे, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं। फर्स्ट मैच केरला वर्सेस तमिलनाडु, सेकेंड मैच दिल्ली और हरियाणा का होगा और उसी दिन 6 बजे कर्नाटक और। एक मिनट सर, हमारी पूरी टीम 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके यहां आई है, ना ही नींद मिली, ना ढंग से खाना खाया और ना ही आराम किया। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर मैच है, बताइए कैसे खेलेंगे? सारे प्लेयर्स टायर्ड हैं सर। अरे पर ये केरला वाली टीम भी तो आप ही के साथ आई है, ये लोग तो कंप्लेन नहीं कर रहे, क्यों? लीग मैच में एक मैच हार गए तो अगले मैच में कवर कर सकते हैं सर, पर सीधे नॉकआउट, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? चलिए ये 3 दिन के अंदर लीग मैच कैसे खेलना है इस पर प्लान करते हैं। सुनिए मिस्टर मनोज, मैच लीग होंगे या नॉकआउट ये डिसाइड करने के लिए आप सबको यहां नहीं बुलाया, फैसला हो चुका है, मैचेस होंगे और नॉकआउट होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो टूर्नामेंट और मैच छोड़ के जा सकता है। ये लो पूरे जग में एक ही मग बचा है, इज इट एनफ? बकेट चाहिए, बकेट नहाने के लिए। बकेट का बिल्कुल भी बजट नहीं है, नहाना खाना धोना सब इसी में करना है। ए 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
भाई हिंदी समझ में नहीं आती, ये बकेट ही है, इसे यहाँ बकेट ही कहते हैं, चाहे बाहर जाके पूछ लो, ये बकेट ही है, ये लो। आप इसे बकेट बोलते हैं, लेकिन इस बकेट से सब लोग नहीं आ सकते हैं ना, थोड़ी बड़ी बात है। यू आर गोइंग, अच्छा कोई चला गया है? अरे यार ये क्यों बेचारा चाट रहा है, बीमार था दादा, कंपनी वाला था, तुम जीतोगे नहीं, हार जाओगे। डोसा ध्यान से सुन ले, सौदा पकाया ना तो तुझे भी ऊपर पहुँचा दूंगा उसके। सिंगम ये कह रहा है की अगर आज रात लौटना ही है तो बाल्टी का क्या काम है, अरे घर पहुँच कर नहा लेना। सर क्या बोल रहे हैं वो लोग? लीग मैच नहीं होगा सर, सीधे नॉकआउट होगा, और हमारा पहला मैच केरला से फिक्स किया है, वो भी अभी 4 बजे से। बेटा ये सब वो जानबूझ के कर रहे हैं? 100% जानबूझ कर। कोई नहीं, देखा जाएगा। लड़कियों चलो खाना खा लो। मैच के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, इसलिए खाना ज्यादा मत खा लेना, समझ गई ना? सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेने दीजिए ना। रात को भी खाना मिलेगा, तब खा लेना। अरे बेटा मर जाऊंगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है बांगड़ू, अपनी टंकी फुल कर ले। अब जम के खाऊंगा। ए थाली भर, ए थोड़ा और दे दे यार, यहां इतना ही मिलता है, आप जाइए। अरे मैं लेके आता हूं, तू जा। शाही पनीर डाल। ऐसे क्या देख रहा है, कबड्डी के लिए आया मॉडलिंग के लिए नहीं? चुपचाप खाना खा और जान बना। शर्मा गया, मैं अभी बचपन में ऐसे ही शर्माता था। टीम मैनेजर ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं ना? देखो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है। नॉकआउट में तमिलनाडु, कर्नाटक, पुणे, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर और मुंबई, ये सारी टीम्स बाहर। सेमीफाइनल्स में हरियाणा की टीम, पंजाब की टीम और दिल्ली की टीम, साथ ही ईस्टर्न रेलवे की टीम आएगी। इस बात का ध्यान रखना, हमें किसी भी तरह नॉकआउट नहीं होना। अभी तक हमने जो जीता है वो बड़ा बात नहीं है, ओके? मुकेश सर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत गए तो आने वाले कॉमनवेल्थ में तुम सबको इंडियन टीम में खेलने का चांस मिलेगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पर सबको लगता है कि हम पहले मैच में ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। उनकी जो ये गलतफहमी है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, उस पर जरा भी ध्यान मत दो। वन साइड जीत कर हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम इन्हें इनकी असली औकात दिखाएंगे। ए, धीरे बोल। ऑल इंडिया लेवल पे ये हमारा पहला ही मैच है, वो हमारी ताकत बिल्कुल नहीं जानते हैं, हमें अपनी ताकत इतनी जल्दी नहीं दिखानी गुरु चाहिए। गुरुजी मैं चुप करो, जो कहा वो करो। जीवा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो हमें हर मैच जीतना है, तभी हम फाइनल में पहुंच पाएंगे। हमें अपना पहला मैच ऐसे खेलना होगा जैसे वो हमारा आखिरी मैच हो। इन लोगों ने जानबूझ के लीग मैच को नॉकआउट मैच में बदल दिया है, पता नहीं आगे ये और क्या क्या चाल चलने वाले हैं। हमें सारा मीडिया देख रहा है और मीडिया के जरिए सारे देश की जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी, तो वन साइडेड जीतना होगा। समझ गई कुछ। गुरुजी का प्लान यहाँ ओके बता देना सबको। देवियों और सज्जनों, 25वें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला कबड्डी मुकाबले में हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग भागों से 24 टीमें आई हुई हैं और बहुत जल्द खेल शुरू होने वाला है। खेलने वाली पहली टीम है तमिलनाडु की कैनेडी क्लब और वो खेल रही है केरल के साथ। केरल की टीम की कप्तान निशा पहला हमला करेंगी और वो अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट ले चुकी हैं। और इसी के साथ जीवा का हमला तमिलनाडु की टीम के लिए 3 पॉइंट। खिलाड़ी नंबर 3 बहुत जोश में फुर्ती दिखाते हुए कमाल किया है। केरल की टीम की ओर से 8 नंबर का हमला और रेफरी का इशारा। तमिलनाडु की टीम से गई है 3 नंबर और 1 और पॉइंट। इसी के साथ तमिलनाडु के 9 और केरल के 7 पॉइंट और ये बेहतरीन हमला और जोश में कोई कमी नहीं, क्या बात है। नंबर 5 का अटैक केरल पर भारी, 11 नंबर के खिलाड़ी फुर्ती में और ये हाफ टाइम का इशारा। तमिलनाडु 22 केरल 7। एक दूसरे की मदद करो, खेल फिर से शुरू, देखते हैं क्या होता है। ये खेल रोमांचक होता जा रहा है। लड़कियों को बोलो थोड़ा संभाल के। ठीक है गुरुजी, बस इसी तरह खेलते रहो। और ये जबरदस्त हमला, तमिलनाडु को पॉइंट मिले, रेफरी का इशारा। तमिलनाडु 27 केरल 7, लाजवाब टैकल, 1 और पॉइंट तमिलनाडु को। तमिलनाडु से खिलाड़ी नंबर 1, देखते हैं क्या कमाल कर दिखाती हैं। जो कर रही हो तुम, वो अपने मन से खेल रही है। और रेफरी का इशारा, टाइम आउट। तमिलनाडु के कोच ने टीम में फिर बदल दी है, नंबर 1 की जगह नंबर 8 खेलेगी। खेल रोमांचक होता जा रहा है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। और ये जबरदस्त टैकल, केरल की टीम के लिए पॉइंट। तमिलनाडु का अटैक, क्या बात है, जबरदस्त जोश का प्रदर्शन। आज लड़कियों का जोश ही कुछ अलग है। तमिलनाडु 38 केरल 9, लंबी टांगों का सही इस्तेमाल, पावरफुल अटैक।
बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या जबरदस्त टैकल था। ओ, और खेल समाप्ति की घोषणा। तमिलनाडु की टीम ने भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। टीम का हौसला बढ़ाते हुए दर्शक, तुम लोग खुद को क्या समझती हो है? टाइम आउट लेने का सिग्नल दिया था ना इसने, यहाँ तुम लोग अपनी चलाओगी। सॉरी गुरुजी। क्या सॉरी? पापा इसे क्यों मार रहे हैं आप? जैसा कोच ने कहा था वैसे ही तो खेल रही है। कोच ने कहा था कि हमें ये गेम वन साइडेड जीतना है, तभी हम ये सब कर रहे हैं। गद्दार! जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी है? निकल जाओ इसी समय, चले जाओ यहां से। गुरुजी मैडम का फोन है। चल। कोच, मैंने मीनाक्षी को सब कुछ बता दिया था, गलती से उसने गुरुजी को बोल दिया। सॉरी कोच। कूल। ये तो कुछ भी नहीं, बचपन में मैंने गुरुजी के हाथों से बहुत मार खाई, पर मैं उसे दिल में नहीं रखता, ये मेरे लिए आशीर्वाद जैसा है। अब सब भूलकर गेम पर ध्यान दो। देखो वो आ गया, आ जाओ आ जाओ, यहाँ बस तुम्हारी ही कमी थी। आ जाओ आ जाओ, साइड हो जाओ तुम लोग, तुम लोग निकलो, हम लोग अपना मैटर सॉल्व करते हैं। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था, चिंगम पे मिलते हैं। तू हमेशा चिंगम क्यों खाते रहता है? मैं नहीं जानता महेश कि तुम कैसे मैनेज करोगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु शुड बी प्लेइंग दिल्ली। तमिलनाडु और दिल्ली का मैच कैसे हो सकता है सर, वो दूसरे ग्रुप में। आई डोंट केयर महेश, मुझे ज्ञान मत दो, जस्ट डू इट। जैसा कहा गया क्वार्टर फाइनल हैज टू बी तमिलनाडु एंड दिल्ली, तमिलनाडु को हारना ही होगा। मनोज शेड्यूल के हिसाब से तो हमें क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र के साथ खेलना था ना। चिंगम हमें तीन मैच जीतने, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, हमारे सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस जीतना। सर एक मिनट, आपसे बात करनी थी। सर आपकी टीम और दिल्ली की टीम क्वार्टर फाइनल में जाने वाली है। हाँ तो सर वो लोग आपको हराना चाहते हैं, अंपायर दिल्ली की टीम से मिला हुआ है, वो आपकी टीम के खिलाफ अंपायरिंग करेगा, सावधान रहिएगा। मैं आपको यही बताने आया था, मैं चलता हूँ सर। ठीक शुक्रिया। ईस्टर्न रेलवेज और महाराष्ट्र के बीच ये खेल शुरू होता है। शुरू से ही खेल में जोश की कोई कमी नहीं है। ओहो हो, क्या बात है, जबरदस्त अटैक, मैच बड़े ही रोमांचक मोड़ पर। नजर से चाल का पता चलना चाहिए। मैंने बताया था ना दो एक। शाबाश, ये मैच खेला जा रहा है तमिलनाडु और दिल्ली के बीच। ओहो हो, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, तमिलनाडु 4 दिल्ली 7। तमिलनाडु की टीम को जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ओहो हो, टांग पकड़कर खींच लिया, ये तो किसी ने नहीं सोचा। दिल्ली का स्कोर हो चुका है 9। तमिलनाडु की लड़कियां बहस कर रही हैं, रेफरी सुनने को तैयार नहीं। कोशिश अच्छी थी पर पैतरा काम नहीं आया। दिल्ली को एक और पॉइंट, तमिलनाडु की लड़कियों को और जोर लगाने की जरूरत है। इस बार पॉइंट तमिलनाडु को। स्टेडियम दर्शकों से खचा खच भरा है और ये पछाड़ दिया। रेफरी की ओर से इशारा टाइम आउट का। रेफरी लड़कियों की कोई बहस सुनने को तैयार नहीं और फिर एक बार पंगा ले लिया तमिलनाडु ने, पर कोई पॉइंट नहीं मिला। दिल्ली की खिलाड़ी ने जीता अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट। तमिलनाडु 13 दिल्ली 16। दर्शकों की सांसें अटकी हुई। ओहो क्या जोश का प्रदर्शन है, तमिलनाडु को 2 पॉइंट मिले हैं। नो, तमिलनाडु की टीम धीरे धीरे बढ़त हासिल करती जा रही है। शाबाश, क्या बात है, अगर यूं ही चलता रहा तो दिल्ली के लिए जीतना मुश्किल होगा। अटैक करने की बारी अब दिल्ली की है, देखते हैं क्या होता है। तमिलनाडु की लड़कियां फिर से बहस कर रही हैं, पर रेफरी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ पर और ये हमला करते हुए दिल्ली की खिलाड़ी नंबर 4। और खेल का वक्त पूरा हो चुका है, रेफरी का इशारा। तमिलनाडु 23 और दिल्ली 25। क्वाइट क्वाइट शांत, आप गलत कर रहे हैं, देखिए फाउल नहीं है। अरे अभी भी टाइम बाकी है, तुम लोग जाना मत। अरे बस बस भाई साहब, टाइम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया सर, अभी टाइम बाकी है, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। मैच शुरू करना है, बिना मैच पूरा हुआ जाएंगे ही नहीं यहां से। क्या बात है, रेफरीज भी तैयार हैं आपस में बात करते हुए। तमिलनाडु से खिलाड़ी नंबर 3 हमला, बहुत बढ़िया। और अब दिल्ली की बारी, खिलाड़ी नंबर 5 को घेर लिया गया है, वो काफी जोश में है और ये खींच लिया, कोई मौका नहीं दिया। 27 पॉइंट के साथ दोनों टीमें बराबरी पर। जबरदस्त मुकाबला तमिलनाडु और दिल्ली की टीम के बीच।
और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। वाह, बेहतरीन प्रदर्शन। तमिलनाडु को मिले 2 पॉइंट और इसी के साथ जीत तमिलनाडु की हुई। और ये जीत बहुत ही जबरदस्त जीत है क्योंकि दिल्ली की टीम कोई कमजोर टीम नहीं थी। दर्शकों में फिर से एक बार उत्साह की लहर। दावत की आड़ में धोखा भी हो सकता है, इसलिए होशियार रहना चाहिए। पहली खिलाड़ी विद्या होगी, सबसे पहले वो जाएगी, उसके बाद तुम और उसके बाद मैं। गुरुजी, दिल्ली के सेक्रेटरी ने हम सबको बुलाया है। सेमीफाइनल में जाने वाली चारों टीमों के लिए मुकेश ने 5-स्टार होटल में एक पार्टी रखी। चुप शांत। ये कैसा है? ये मुझ पे अच्छा लगेगा ना? हाँ, मस्त लग रहा है। और ये कलर, ये कैसा है? अरे मुझे ये नहीं चाहिए। ए, मुझे नहीं पहनना। चाय की दुकान पे नहीं जा रहे हम लोग, तो क्या करूं? हम लोग ताज होटल में जा रहे हैं। इन कपड़ों में तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देगा। ए, रख इसे अंदर, ये भी बकवास है। मनोज एक बात बताओ। हाँ गुरुजी। इस वक्त तुम्हारे पास पैसे कितने बचे हुए हैं? 19,000 के आसपास। आ जाओ आ जाओ। Actually, we really need some Thank you. Yes, I'm working on it. Great. So we still need to improve the player's strength. ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। I totally agree. पार्टी तो अपने पूरे शबाब पर है। Thank you. क्यों? है ना गुरुजी? You're welcome. अरे कहाँ थे आप लोग, इतना लेट क्यों आए? फंक्शन तो खत्म हो गया। पर आपने तो कहा था कि फंक्शन 2 बजे। अरे मैंने कब कहा? फंक्शन तो 11 से 11:30 तक था, अब खत्म हो गया। वैसे भी आप लोग खाना खाने आए होंगे, जाइए। बचा कुछ आया, जाइए खाइए खाइए खाइए। क्या बकबक कर रहा है मोटा? ये कह रहा है कि हम लेट है और यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आए। इसने जान बूझ कर हमें लेट बुलाया। चलिए गुरु जी, चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट रुको जरा। तुम भले ही मत खाओ लेकिन इन्हें कम से कम जूस तो पीने दो। गुरुजी मुझे जूस नहीं खाना चाहिए, सब खा रहे हैं, बस हम ही देख रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया है, हम पे तरस खाइए गुरुजी। एक दिन नहीं खाएगी तो मर जाएगी क्या? तुम्हें इज्जत चाहिए कि खाना? पहले खाना चाहिए। इज्जत तो बाद में भी मिल जाएगी। हेलो मिस्टर मनोज, देखकर अच्छा लगा, कैसे हैं? बढ़िया हूं सर। मनोज ने बताया कि तुम तमिलनाडु के कोच बन गए। I'm so happy. Good. मैं जानता था अब तक खबर पहुंच गई होगी सर। अरे पार्टी खत्म होने वाली है, आप लोग खाना खा लीजिए, फिर बचेगा नहीं, जाइए। भाई साहब एक मिनट। मेरा नाम मुथु स्वामी है, मैं कैनेडी क्लब का फाउंडर हूँ। ये गांव की लड़कियां हैं, मैंने इन्हें इकट्ठा करके कबड्डी खेलना सिखाया है और आज ये इस मुकाम पर है। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? ऑफकोर्स सर, बोलिए ना। आप एक मामूली खिलाड़ी होते हुए भी यहाँ तक पहुँचे, मतलब इस पोजीशन तक। जाहिर है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत दर्द, बहुत पापड़ बेलना पड़ा होगा। सही कह रहा हूँ ना? किस जगह जाकर तुम एक घूसखोर बन गए? बोलो बोलो बोलो। श्योर सर। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। किस पोजीशन में करप्शन नहीं है सर? नहीं प्लीज रोशनी डाले, मैं जानना चाहता हूँ। बड़े बड़े फंक्शन में, किसी बड़े होटल में, मैं छोटी गाड़ी में तो नहीं जा सकता ना सर? वरना आपको दूसरे दर्जे का रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। अगर पास में अच्छा सूट ना हो तो पार्टियों में जाने का शौक मत रखो, क्योंकि आपका आपका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपको मार देता है। यह आप नहीं सर। बकवास है। हमारी ये लड़कियां गरीब खानदान से तो हैं पर कमाल की खिलाड़ी हैं, फिर भी तुम इन गरीबों से घूस मांगते हो। तुम खेल की नहीं कार की, पार्टी और सूट की किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? हैं? चढ़ गई है क्या? मुकेश जी एक मिनट। हाँ मैं अभी आया। गुरु जी इसने तो पैदा होते ही अपने बाप से रिश्वत मांगी थी, कहाँ इस लीचड़ के मुंह लगकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। लो खाना खाओ। हमले से किए गए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंस करो। हम लोग थर्ड राउंड से अटैक करेंगे और ध्यान रहे कि कोई घायल ना हो। ओके मनोज जी, आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आता हूँ। चलो सब वार्म अप कर लो। चलो आओ लड़के, जरा एक मिनट रुक जाओ। हाँ,
ये मनोज बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है और इसीलिए मैं इसको प्यार और इज्जत दोनों देता हूं। मानता हूं उसका अपना अनुभव है, लेकिन मेरे हिसाब से कल खेल में कुछ गलतियां हुई जो अब नहीं होनी चाहिए। उसने अपने फायदे के लिए अगले सेमीफाइनल में अपने टीम की हार पहले से ही तय कर दी है। क्या बात है गुरुजी? मुकेश राठौर। अरे मुथु जी, एक मिनट बात सुनिए प्लीज। मुथु जी, वो मुकेश और मनोज वो कैंटीन में खेल के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? ये बूढ़े लोग सही गलत का पाठ पढ़ते रहते हैं और वास्तविकता को बिल्कुल भूल जाते हैं। एनीवेज, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मनोज, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में तुम्हारी टीम के दो खिलाड़ियों को मैं इंडियन टीम में लूंगा, ठीक है? ओके, सुनो, दो लोगों को सदर्न रेलवेज में नौकरी दी जाएगी, ओके? और कॉमनवेल्थ में इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच तुम होगे। और इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? इसके लिए सेमीफाइनल मैच तुम्हें हारना होगा। वो यहां हमारे लिए कभी भी कबड्डी खेलने नहीं आया था। हम पूरे भारत की सभी गरीब लड़कियों के लिए खेल रहे हैं और वो पैसों के लिए। इस टूर्नामेंट के आखिर के दो मैच तुम लोगों ने उसके कहने पर ही खेले हैं, ये बात मैं जानता हूं, पर आगे के दोनों मैच तुम लोग मेरे कहने पे खेलोगे। ओके, ओके, समझ गई गुरुजी। आज इस सेमीफाइनल मैच में आप सभी का स्वागत है और मैच है तमिलनाडु और हरियाणा की टीम के बीच। हरियाणा की तरफ से पहला अटैक और एक पॉइंट जीत लिया है अपनी टीम के लिए खिलाड़ी नंबर 11 ने। तमिलनाडु की टीम की अच्छी कोशिश, खिलाड़ी नंबर 4 वापस लौटते हुए और ये बहुत ही अच्छा टैकल। दोनों टीमें बराबरी पर। तमिलनाडु से 9 नंबर की खिलाड़ी बहुत ही अच्छी कोशिश और वो कामयाब रही। तमिलनाडु की टीम को बोनस पॉइंट मिला है और ये पावर देखिए हरियाणा की टीम का, लाजवाब। 6 नंबर की खिलाड़ी को वापस लौटना पड़ेगा बिना कोई पॉइंट लिए और अब बारी हरियाणा की टीम की। अटैक, अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत कोशिश की पर पकड़ी गई। तमिलनाडु 5 हरियाणा 3 पे। तमिलनाडु से 11 नंबर की खिलाड़ी का हमला और ये हरियाणा की बारी है, कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई, अब बाहर नहीं निकल पाएंगी। दर्शकों से बहुत सराहना मिल रही है, यहाँ से लौट जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, और अंदर जाना भारी पड़ सकता है। 9 नंबर की खिलाड़ी हरियाणा के धर लिया गया है। तमिलनाडु की लड़कियां बहुत अच्छा खेल रही हैं और अब ये सुपर टैकल, देखते हैं क्या होता है। ओ, बीच में जा उनका पड़ गया। 1 पॉइंट तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु 15 हरियाणा 3 पे। खेलो, हमें और पॉइंट चाहिए। फाइनल मैच में उनके किसी भी प्लेयर में इतनी भी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो ग्राउंड में खड़े भी हो सके। ओके सर, पूरा प्रेशर डालो उन पर सुरेश, समझ रहे हो ना तुम? या सर, समझ गया। सेकंड हाफ शुरू होने का इशारा, कोच अपनी टीम का जोश बढ़ाते हुए। हरियाणा की खिलाड़ी मैदान में जोश के साथ और ये खिलाड़ी सीधी अंदर चली गई है, पर ये क्या पकड़ी गई। हरियाणा की सभी खिलाड़ियां उस पर गिरी हैं और लगता है तमिलनाडु की इस खिलाड़ी को चोट लगी है। हरियाणा की लड़की को वार्निंग मिली है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, खेल बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। ओ, एक के बाद एक तमिलनाडु की खिलाड़ियों को चोटें लग रही हैं। ये क्या हो रहा है? एक और जबरदस्त हमला हरियाणा का और उसे दबोच कर नाकाम कर दिया गया। एक और चोट, तमिलनाडु की लड़कियां घायल हो रही हैं। ओहो, फिर से चोट लगी। ये मेरा दावा है बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा। खुद आए हैं अपनी खिलाड़ी को लेने के लिए, वो लड़कियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रहो मत, ठीक हो जाएगा। कोच को ऐसा ही होना चाहिए। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अच्छी कोशिश। एक और शिकस्त तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के कैनेडी क्लब टीम की एक एक करके लगभग सारी लड़कियां बाहर हो चुकी हैं। अब बारी है खिलाड़ी नंबर 4 की और ये क्या, सबने घेर लिया। लगता है उन्हें भी चोट लगी है। बहुत ही अफसोस की बात है, आज तमिलनाडु की टीम में एक के बाद एक सारी लड़कियां घायल हो रही हैं। हरियाणा को फिर से वार्निंग, कोच भी थोड़े मायूस हैं। इसे ले जाओ। खेल फिर से बरकरार, हरियाणा की टीम टक्कर देते हुए, कोई पॉइंट नहीं। अच्छे प्रदर्शन के बावजूद लगता है कि तमिलनाडु की लड़कियां थक चुकी हैं। टीम हरियाणा के सपोर्टर्स तालियां बजाते हुए, जोश के साथ शुरू हुआ ये खेल तमिलनाडु की टीम के लिए दर्द भरा खेल बन चुका है। तमिलनाडु टीम को भारी नुकसान हुआ है और ये एक और झटका, घायल होने की वजह से खिलाड़ी नंबर 3 भी बाहर।
समाप्ति की घोषणा। तमिलनाडु 20 पे, हरियाणा 9 पे। जीतने के बावजूद खुशी की कमी साफ नजर आ रही है। आ जाओ चलो। आराम से, आराम से। उसके घुटने की सिकाई कर अच्छे से। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द ज्यादा तो नहीं है? पैर में चोट लग गई है। पता नहीं मैं खेल पाऊंगी कि नहीं। हेलो। हाँ बोलो ना। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। मनोज, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इन सभी को ग्राउंड पे बुलाया है। हाँ चलो सब लोग उठ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो आराम से, आराम से। तुम लोगों को हो क्या क्या है? मैं कब से कह रहा हूं कि डिफेंस खेलो, पर तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए कह रहा था कि डिफेंसिव खेलो, पर तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता। जैसा कहा था वैसा खेलते तो ये चोट नहीं लगती। अगर आपके हिसाब से हम खेले तो हम हार जाएंगे। क्या कहा, हार जाएंगे? हम सब जानते हैं आपने इंडियन टीम को कोच करने के लिए मुकेश सर के साथ हाथ मिला लिया है। पापा ने हमें सब बता दिया। ए, उसके बाद क्या हुआ था पता है? और इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? इसके लिए सेमीफाइनल मैच तुम्हें हारना होगा। और अगर मैं ना कहूं तो? फाइनल मैच में ग्राउंड तक नहीं पहुंचोगे, दैट्स अ प्रॉमिस। नहीं समझे? मेरी ही टीम पिछले 4 सालों से विनिंग टीम है। रेलवे की टीम फाइनल खेलेगी। एक रेलवे प्लेयर को रेलवे टीम के खिलाफ कोचिंग करना हमारे रूल्स में नहीं लिखा है, जानते हो ना? ऐसे में फाइनल्स में तुम कोच कैसे बन पाओगे मनोज? रिजाइन करने के बाद तो मैं खेल ही सकता हूँ। क्या हुआ, हवा निकल गई? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। अगर तुम कॉमनवेल्थ गेम में सिलेक्शन के लिए फिर रिश्वत मांगोगे, टैलेंटेड खिलाड़ियों को नहीं खेलने दोगे, तब इंडिया फिर हार जाएगा। और इंडिया की जीत के लिए मैं अपनी नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। कल ग्राउंड पे मिलते हैं। और हाँ, आज की रात पार्टी मना ले और कल मातम मनाना। सॉरी कोच। हाँ जी बोलिए। अपनी बेटी से बात कीजिए। हाँ पापा, हम फाइनल में पहुंच गए हैं, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरी बच्ची, तुम दोनों जब से हमारी जिंदगी में आई हो हमारी किस्मत बदल गई है। पिता होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, मेरी बात कभी भूलना मत। सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैंने तुम दोनों बेटियों को कबड्डी खिला खिलाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें ये खेल जीतना होगा ताकि समाज आज के बाद किसी बाप को नीचा ना दिखाए। समझ गई ना? समझ गई पापा। जीत के आना। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है और मैं जानता हूँ तुम दोनों को कोई नहीं हरा सकता। ठीक है? ठीक है पापा। सिलेक्शन करते समय हम हमेशा नॉर्थ इंडियन का ही फेवर करते हैं। इस बार मीडिया ने इस बात पर हल्ला मचा के रखा है। अगर हम तमिलनाडु से हार गए ना सुनील, मीडिया को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये बात याद रखना। सर आप उस चूहे से डर गए? उस टीम में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है सर। हमारी टीम उनको मच्छर की तरह मसल के रख देगी सर। ठीक है, कुछ करके दिखाओ, समझे? ओके ओके सर। ओके ठीक है माँ। कोच, किस्मत वाले हो तुम सब, जो तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले। उन्होंने तुम्हें कबड्डी खेलने का मौका दिया। कोई माँ बाप ऐसा नहीं करेगा जो खुद तकलीफ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं। तुम नहीं चाहते कि उनके चेहरे पर खुशी आए?
उन्होंने कबड्डी तुम्हें इसलिए नहीं खेलने दिया कि इससे उनका कोई फायदा होगा या फिर उनका कोई स्वार्थ है। उन्होंने ये सिर्फ तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए किया है। तुम्हें जीतना ही होगा, अपने माँ बाप के लिए जीतना ही होगा। सुनो, हर खिलाड़ी को शरीर के मुकाबले दिमाग से ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, बस जीतना है। समझ आया? जी यस कोच। जाओ। तुमने टाइम ठीक से नोट कर लिया ना? ठीक है, ठीक। तुम दोनों ने अपनी टी शर्ट बदल लिया ना? दूसरी टीम सिर्फ तुम्हारी जर्सी नंबर से तुम्हें पहचानेगी। चिंगम, हाँ बोलो ना। इनके नाम इनके जर्सी नंबर के साथ ठीक से नोट करा देना, ठीक है ना? चलो। मैदान में दोनों टीम की लड़कियां पहुंच चुकी हैं और अपने बल का परिचय देने के लिए उत्सुक हैं। बस देखना यह है कि आज इस मुकाबले में कौन जीतता है और हार किसकी होती है। आज का ये मैच बड़ा ही खास है क्योंकि ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर जसवंत सिंह राठौड़ हमारे बीच हैं खेल का उद्घाटन करने के लिए, और जीतने वाली टीम को अपने हाथों से इनाम देकर वो सराहेंगे। और अब टॉस उछालने का वक्त। हेड सर, तमिलनाडु ने कहा है। तमिलनाडु की टीम टॉस जीत गई है, उन्होंने कोर्ट चुना है। और अब भारतीय कबड्डी टीम के कोच श्री मुकेश राठौड़ जी माननीय मंत्री जी का परिचय करवाएंगे आज की दोनों टीम की खिलाड़ियों से। हेलो कॉमरेड्स, थैंक यू सर। मंत्री जी खुद कोच और टीम के सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते। खेल जगत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन है मनोज बाबू। कैनेडी क्लब के कोच, मुश्किल से तो ये टीम खड़ी हो पा रही है, फिर भी फाइनल जीतने का ख्वाब देख रहे हो? यहां बदला लेने आए थे ना मनोज बाबू? ऑल द बेस्ट। क्या बोल के गया? बहुत जल्दी चलेगा। एक ऐतिहासिक मैच की शुरुआत होने जा रही है और ईस्टर्न रेलवे की ओर से शुरुआत करेंगी उनकी कैप्टन। बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही चौकन्ना रहकर खेल रही है और ये जबरदस्त मूव। एक पॉइंट। इसी के साथ कैप्टन ने अपनी टीम के लिए खाता खोल दिया है। खिलाड़ी नंबर 4 तमिलनाडु की टीम से घेर लिया गया है। बहुत ही अच्छी कोशिश थी पर खाली हाथ लौट आई है। आज तमिलनाडु की टीम अटैक करने के बजाय डिफेंसिव खेल रही है। खिलाड़ी नंबर 4 ईस्टर्न रेलवे से वापस लौटते हुए, और ये खिलाड़ी नंबर 11 तमिलनाडु की टीम से। कैनेडी क्लब को आज कुछ कमाल करके दिखाना होगा। अच्छी कोशिश, अरे नहीं, उन्हें धर लिया गया है और नाकाम कोशिश। एक पॉइंट ईस्टर्न रेलवे के खाते में। ईस्टर्न रेलवे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए और बिल्कुल चीते की तरह अटैक किया है। एक और पॉइंट। ईस्टर्न रेलवे की टीम बहुत अच्छा कर रही है। खिलाड़ी नंबर 4 को अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इस बार फिर से कोशिश करेगी और धर ली गई है। तमिलनाडु अभी भी 0 पर है और ईस्टर्न रेलवे 4 पॉइंट पर। और अब देखेंगे सुपर टैकल। ईस्टर्न रेलवे की इस खिलाड़ी को अगर धर लिया जाता है तो तमिलनाडु को मिलेंगे 2 पॉइंट्स, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तमिलनाडु ने भेजा है खिलाड़ी नंबर 9 को और ये टच। एक पॉइंट मिला है और इसी के साथ खाता खुला है तमिलनाडु टीम का। अब वक्त है सुपर टैकल का। बहुत अच्छी कोशिश खिलाड़ी नंबर 4 की, पर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब बारी तमिलनाडु टीम की। खिलाड़ी नंबर 3 कैनेडी क्लब की स्टार प्लेयर, करिश्मा दिखाते हुए, कुछ न कुछ हाथ जरूर लगेगा, पर ये क्या, उन्हें दबोच लिया गया। अफसोस। गो, फिर से सुपर टैकल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईस्टर्न रेलवे आसानी से गेम जीत सकती है। तमिलनाडु के पाले में ईस्टर्न रेलवे की खिलाड़ी 2 पॉइंट बाहर निकलते हुए। खिलाड़ी नंबर 9, क्या ये अपनी टीम के लिए स्कोर कर पाएंगी? जी हाँ, 1 पॉइंट स्कोर कर दिया इन्होंने तमिलनाडु। और अब ईस्टर्न रेलवे की बारी। सुपर टैकल और ये कोशिश, धर लिया है सुपर टैकल में। तमिलनाडु 2 पॉइंट मिलेंगे तमिलनाडु की टीम को। फिर से एक बार तमिलनाडु की टीम से खिलाड़ी नंबर 9 अपनी टीम के लिए पहले काफी पॉइंट्स जीत चुकी हैं, लेकिन खाली हाथ लौट गई। हाफ टाइम कब होगा? ईस्टर्न रेलवे सुपर टैकल के लिए 1 टच पॉइंट, 1 पॉइंट ईस्टर्न रेलवे को। फिर से मिला है 1 और पॉइंट। टाइम आउट। 4 ईस्टर्न रेलवे, 6। कम ऑन गर्ल्स, क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट करो। वैसे ही थके हो, हमला करके पॉइंट लेने की मत सोचो।
अपनी एनर्जी बचाओ, डिफेंस खेलो, समझ गए? नसीहत दे रहे हैं, कुछ मशवरा चल रहा है और हमने जो जीता है वो बड़ा बात नहीं है। क्या हो बस थोड़ी सी एसिडिटी हो गई है। स्ट्रेटजी पर अपना दवाई खाई ना, जल्दबाजी में दवा लेना भूल गया तो मैं काम करो। दवाई मेरे कमरे में रखी है, तुम जाकर ले आओ। ठीक है कैलाश। क्या ए, अरे इतनी सी बात के लिए उस आदमी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम क्यों नहीं जाते हो? जाओ जाकर ले आओ, जाओ जाओ। ईस्टर्न रेलवे 20 पार और तमिलनाडु का स्कोर है 8। मैच के आखिरी 5 मिनट। ये लीजिए। क्या चल रहा है ये? लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह से खेल को रुकाना नहीं चाहिए, इससे दोनों टीम की खिलाड़ियों में जोश अचानक से कम हो जाएगा। मुझे माफ करना मनोज। ये सोची समझी चाल है तमिलनाडु की टीम की। देखो मैंने तुम्हें यहाँ से झूठ बोलकर दवाई लेने के लिए जानबूझकर कमरे में भेज दिया। उस समय मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। आउट। ए! लेकिन इस समय मुझे वाकई तकलीफ हो रही है। जब उसने मुझे बताया कि तुम इंडियन टीम के कोच बनना चाहते हो तो मैंने विश्वास कर लिया बिना सोचे समझे। पर अभी अभी जीवा ने मुझे बताया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 10 हमलों में से 20 पॉइंट कैसे बनाएंगे? अगर बना भी लिए फिर भी वो 2 पॉइंट से हमसे जीत जाएंगे। अगले 5 मिनट जीत हमारी होगी गुरुजी। सब्स्टिट्यूट चेंज। हेमा जी कोच। नहीं नहीं रजनी यहाँ आओ। अच्छा बिल्कुल ही नई खिलाड़ी को। ये अच्छा खेलेगी गुरुजी, मेरी बात मानिए। कोच रजनी, मोनी हो चाहे रजनी हो, तुम लोग सब थक चुके हो लेकिन रजनी चकाचक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कोई भी इसका खेल नहीं जानता, यही हमारी ताकत है। बस 5 मिनट बचे हैं रजनी। एक अटैक में 30 सेकंड लगते हैं, अगर तुम 15 सेकंड में वापस आ गई तो हमें पूरे 15 सेकंड मिलेंगे। अटैक के लिए उन्हें बोनस लाइन तक मत आने देना। हर हमलावर को 10 सेकंड में अपने पाले से बाहर करना है। कुछ भी हो जाए 2 पॉइंट के रिस्क की फिक्र मत करो। 15 डिफेंस मिलेंगे, खदेड़ दो बाहर। मुझे 100% यकीन है कि ये फाइनल हम ही जीतेंगे। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ या ना? के लिए ये सिर्फ खेल है लेकिन हमारे लिए जिंदगी और मौत। जाओ। खेल फिर से शुरू हो गया है। तमिलनाडु की नई खिलाड़ी और ये 1 पॉइंट जीत लिया। बहुत अच्छे। ईस्टर्न रेलवे की कोशिश और ये सुपर टैकल में 2 पॉइंट जीते हैं तमिलनाडु की टीम ने। तमिलनाडु की टीम की नई खिलाड़ी एक के बाद एक रेड के एक पॉइंट तमिलनाडु की है। तमिलनाडु 11 पर और ये फिर से सुपर टैकल, 2 पॉइंट तमिलनाडु के खाते में। तेजी से जीत की तरफ बढ़ते हुए तमिलनाडु की कैनेडी क्लब टीम और ये ईस्टर्न रेलवे का अटैक सुपर टैकल हो सकता है। नहीं, ये 1 पॉइंट तमिलनाडु बढ़ सकती है। वाह, फिर से 1 पॉइंट तमिलनाडु। नई खिलाड़ी की फूर्ती कमाल की है। ईस्टर्न रेलवे का आत्मविश्वास थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ। सुपर टैकल 2 पॉइंट ईस्टर्न रेलवे के सभी खिलाड़ियों। 3 पॉइंट फॉर तमिलनाडु। अगला राउंड, नई खिलाड़ी लेकिन इस बार मुंह की खाई। संभलते तमिलनाडु 18, ईस्टर्न रेलवे 21। काटे का मुकाबला, ईस्टर्न रेलवे की रेड और सुपर टैकल, 2 पॉइंट तमिलनाडु के खाते में। दोनों टीम के स्कोर के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता। ओहो, दो पॉइंट मिलेंगे। दर्शकों में उत्साह बहुत बढ़ चुका है। ईस्टर्न रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है। आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ और ये तमिलनाडु की कोशिश करते हुए सारे खिलाड़ी लगते, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ईस्टर्न रेलवे 1 मोर पॉइंट। खेल समाप्ति की ओर, देखना है कौन जीतता है। कैप्टन ने कोशिश की पर नाकाम। फॉरन एंट्री ली तमिलनाडु से खिलाड़ी नंबर 11। कोशिश की और 1-2, कम से कम 3 लोग, 3 पॉइंट मिले हैं तमिलनाडु की टीम को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तमिलनाडु की ओर से नई फुर्तीली खिलाड़ी, इन्हें लाना कोच का बिल्कुल सही मूव था। और दोनों टीम के बीच केवल 2 पॉइंट का अंतर है। तमिलनाडु 26, ईस्टर्न रेलवे 24। खेल बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। 3 पॉइंट तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीम ने फिर से अपनी पोजीशन हासिल करनी है। दोनों टीमों में बराबर की टक्कर।
तमिलनाडु 29 पर, ईस्टर्न रेलवे 28। कांटे की टक्कर है कबड़ी, कबड़ी, और अब खेल का अंतिम चरण कबड़ी, कबड़ी, और देखते क्या होता है। ओ नहीं, तमिलनाडु के पॉइंट को लिए टाइम आउट का इशारा। चौसी नंबर 3, तुम्हें उससे आउट करना है, वो आउट तो हम जीत जाएंगे। खेल फिर से शुरू। ईस्टर्न रेलवे का हमला, सुपर टैकल, क्या वो जीत पाएंगी? उन्होंने एक पॉइंट जीत लिया है ईस्टर्न रेलवे के लिए। मैच का रोमांच चरम पर है। कबड्डी कबड्डी, और अब तमिलनाडु की खिलाड़ी नंबर 4, अगर इन्हें पकड़ लिया जाता है तो ईस्टर्न रेलवे को 1+2 यानी 3 पॉइंट मिलेंगे। और ये आगे बढ़ते हुए, और ये टच, टच, एक पॉइंट मिल चुका है तमिलनाडु को। बहुत ही जबरदस्त खेल का वो पल है जो नतीजा तय कर सकता है। सिर्फ 25 सेकंड बाकी, दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त है। कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीम का स्कोर है 30 और 30 सेकंड्स ही बचे हैं। सुपर टैकल की कोशिश होगी तमिलनाडु की तरफ से। ईस्टर्न रेलवे की खिलाड़ी उनके पाले में, ये भारी पड़ सकता है और ये ईस्टर्न रेलवे के खिलाड़ी को खींच लिया है। तमिलनाडु की खिलाड़ी नंबर 4, विद्या, उसे फिनिश लाइन तक मत पहुंचने देना। यस, कम ऑन, यू कैन डू इट, छोड़ना मत। विद्या, रोके रखो, रोके रखो उसे। विद्या, निवेदिता, कम ऑन, पकड़ के रखो। कम ऑन, कम ऑन, विद्या, कम ऑन, रोके रखो। ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि दोनों टीमों के बीच टक्कर बराबर की हुई। सिर्फ एक पॉइंट से जीती है तमिलनाडु की टीम। 31 पॉइंट पर आने के बाद ईस्टर्न रेलवे को एक पॉइंट के लिए हारना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था तमिलनाडु टीम की लड़कियां ये कमाल कर दिखाएंगी। आज तो मजा आ गया, बहुत ही कमाल का मैच था। बिल्कुल। Congratulations. Nice. Hey, sir. Congratulations. मुबारक हो, बहुत अच्छा खेला। मैंने ये जोश पहले कभी नहीं देखा। Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? सर को अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है, आप बाद में बात कर लीजिए। नहीं, आइए सर। नहीं नहीं सर, 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 सुनिए प्लीज। सर, मैं एक सर्विस मैन हूँ, बात करनी पड़ेगी। सर आइए सर, प्लीज। सर, कबड्डी हमारे हिंदुस्तान की शान है। पिछले 25 सालों से लगातार इंटरनेशनल लेवल पर हमने जीती है ये चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड के टूर्नामेंट के सारे कप। पर पिछले साल एशियन गेम्स में हम लड़े, हम हारे, क्यों? आपको वजह पता होनी चाहिए सर। ये सब हुआ इस अफसर की वजह से सर, यही है वो भ्रष्ट आदमी। सर, सर, इस आदमी ने कुछ गलत समझ लिया। दरअसल क्या हुआ था कि फाइनल में हमारे 3 खिलाड़ी घायल हो गए थे, उसी की वजह से हम हार गए। सर, 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 ऐसा नहीं। अगर आप रिश्वत लेके ही खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे, इंडिया तो जरूर हारेगा सर। विद्या, इधर आओ। आपने जिसे बधाई दी सर कि ये इस टीम की सबसे बेस्ट प्लेयर है, इंडियन टीम की सिलेक्शन में ये फर्स्ट रैंक पर थी। इसकी सिलेक्शन के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे इसने। सर, यही है वो मुकेश। इट्स अटर नॉनसेंस। जब आवाज उठाई गई तो इसका नाम और इसका नाम खिलाड़ियों की लिस्ट से हटा दिया गया। ये बिल्कुल सच है सर। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं सर, तकलीफों में जीते हैं।
फिर भी हम देश का स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जब इस जैसे घटिया लोगों की डिमांड हम नहीं मानते तो न जाने कितने ही होनहार खिलाड़ी जिंदगी में निराश हो जाते हैं। यह आदमी ना केवल करप्ट नहीं है सर, देशद्रोही है। इसके जैसे ही दोगले लोग आगे आने वाले सिर्फ 10 साल में हमारे इस पारंपरिक खेल कबड्डी को हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस कमीने को इस पोस्ट से हटा दीजिए। हमारे इस पारंपरिक खेल कबड्डी को बचा लीजिए सर। पूरी पासी बिगाड़ दी इसने। आइए गुरुजी। सर क्या इस मामले में आप कोई एक्शन लेने वाले हैं? यस, अगर हम इस जुर्म को साबित कर सकें तो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। पिछले साल के एशियाई कबड्डी गेम्स के चीफ सिलेक्टर श्री मुकेश राठौर ने जो भ्रष्टाचार किया था वो साबित हो चुका है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनकी जगह नए कोच बने हैं दिल्ली के जोसेफ एंथनी, जो शुक्रवार से कार्यभार संभालेंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में जोसेफ एंथनी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। हमारे क्लब से 7 खिलाड़ियों को नौकरी मिली। मुझे रेलवे की तरफ से कोचिंग करने का ऑफर आया, पर मैंने टैलेंटेड खिलाड़ियों को अच्छे मौके के साथ ट्रेन करने के बजाय मैंने तय किया है कि मैं नौसिखिए बच्चों को ही कबड्डी सिखाया करूंगा, क्योंकि यही हमारे देश के भविष्य है। मनोज, तुमने मुझे कमिटी से तो हटवा दिया, लेकिन खेल अभी बाकी है। अगले राउंड में तुम्हारे ही खिलाड़ियों के जरिए तुम्हें मात दूंगा, ये मेरा दावा है। हौसला पस्त नहीं हुआ तो हो जाए एक और कबड्डी।